शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, दैट्स वेरी नाइस उसामा, एंड आई होप कि अब आप लोग सबका रिजल्ट ये बात प्रूफ करे कि हाँ जी समझ आया। ठीक है, समझ आया है। और मतलब देखिए, ये बात भले नहीं आप लोग इस बात पे से अग्री करें ना करें, लेकिन ये जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो ना, ये सिर्फ आप एग्जाम्स पास करने के लिए नहीं कर रहे हो। यू बिकमिंग बेटर पर्सनालिटी वाइज, यू बिकमिंग बेटर टेक्निकली। आपको दुनिया में चीजें किस तरह से होती हैं उसके बारे में आइडिया हो रहा है। यू बिकमिंग एफिशिएंट, आप थोड़े से एफिशिएंट हो रहे हो, आप मच्योर हो रहे हो। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो ये नॉलेज गेन कर रहे हो ना, इसका कोई आपके ऊपर पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़े, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी फर्क पड़े। सिर्फ नॉलेज को गेन करना जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पासिंग द एग्जाम्स इज नॉट इनफ। ठीक है, जो लोग ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं ना अपनी लाइफ में, वो मतलब हमारे दिमाग में शायद ये बात होती है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, जो बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करता है, वो तो अजीब ही एक अजीब ही मखलूक है। तो ऐसी बात नहीं है, सही है, ऐसी बात नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको अपनी थोड़ी सी फिर आपके अपने बिहेवियर में भी चेंज आना चाहिए। आप जब दूसरे लोगों से बात करो तो उनको पता चले कि हाँ जी ये पढ़ा लिखा इंसान है, इसको बातों के बारे में पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। जो एक्स्ट्रा चीजें भी होती है ना, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग। वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग में क्या चल रहा है, मतलब इंटरनेशनली क्या सारी न्यूज है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इस चीजों में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करें। आई नो कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है, बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो तो आपको एक किस्म का मतलब 100% आपका मतलब आप फुल पैकेज होना चाहिए आपके पास। आपके पास आपको अकाउंटिंग के बारे में तो आना ही चाहिए, साथ में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसमें उसमें हमारी गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करें। इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, नॉर्मल बैंकिंग क्या होती है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है, हम सारे मुसलमान हैं, हम सबको ये पता है कि इंटरेस्ट इज हराम, राइट। तो जो दुनियावी नॉलेज आप गेन कर रहे हो रिगार्डिंग इंटरेस्ट, ये क्यों गेन कर रहे हो, आप इसको इस तरीके से लेके चलो ना कि मैं अगर इंटरेस्ट के बारे में मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मैं कैलकुलेशन उसके बारे में समझती हूँ या समझता हूँ, तो आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि भाई आगे जाके आई विल ट्राई टू चेंज द होल सिस्टम। एक बंदे से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस तरह की जो दुनियावी नॉलेज गेन कर रहे हो ना, इसको आप थोड़ा सा सोचो थोड़े स्पिरिचुअल जाविये से भी, थोड़े स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इस चीज को मैं फिर अपने बीइंग अ मुस्लिम हाउ कैन आई ब्रिंग अबाउट अ चेंज, राइट। तो इस तरह से इसको लेके चलें। नॉलेज गेन करना है फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द एग्जाम्स एंड ऑल्सो टू एक्सेल इन लाइफ एंड टू ब्रिंग अ चेंज इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से करें। आज इस तरह की बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर वन, अब मैंने किया क्या है, मैंने सारे क्वेश्चंस को ना जितने भी मुझे क्लास में कराने हैं, तकरीबन 9-10 सवाल हैं, तो 9-10 सवाल मेरे पास अदर देन पैक के क्वेश्चन बैंक के, अदर देन पास पेपर्स के हैं। तो वो इंशाल्लाह हम 2-3 और सवाल देख लेंगे। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास पैक के क्वेश्चन बैंक में पास पेपर्स के भी सवाल है। अब मैंने करना क्या है, अभी तो मैं आपको मोटी मोटी सारी बातें मैं करा दी है, मैंने हर हर सिनेरियो का तकरीबन आपको एक क्वेश्चन करा दिया समझाने के लिए कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। बेसिक 5 स्टेप्स हैं, उसमें फिर आपके पास छोटी मोटी चेंजेस वगैरह आ सकती हैं, राइट। तो मैंने एक पूरा पेपर मतलब बना लिया था कि 9 सवाल जो मैंने कराने हैं या मैंने करा दिए हैं वो मैं एक पेपर पे लेकर आऊँ। फिर मेरा एक और काम ये भी है कि मैंने जो जो पास पे जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक मौजूद है पुराने वाला, अब सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें अगर रेवेन्यू का जो चैप्टर है अब उसके अंदर जो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू IAS 18। तो हमने उसको ये किया है कि हमने उसका IFRS 15 के अंडर क्या काम होगा, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, हमने फिर उन्हीं क्वेश्चन को जहां जहां पॉसिबल था हमने उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर ऑल्टरेशन करके सॉल्यूशन के अंदर उसको इस तरह से लिख दिया कि अब IFRS 15 के हिसाब से देखिए रेवेन्यू का सिनेरियो तो सेम रहेगा, अब सवाल ये आता है IAS 18 में थोड़े मुख्तलिफ तरीके से उसको देखना था, IFRS 15 में वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो वो वाले क्वेश्चन भी हैं। अच्छा है, देखिए रेवेन्यू के अंदर दैट्स ओके, जवाब अभी आप सिर्फ एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए ना, रेवेन्यू क्या सिर्फ उस पर फोकस कर लो। तो जो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस आई हैं वो सिर्फ एक्सप्रेशन के टर्म्स में चेंजेस आई है। IAS 18 के अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते थे, आंसर थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता था, IFRS 15 में थोड़ा डिफरेंट हुआ है। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, रेवेन्यू के टॉपिक टेक्निकल है थोड़ा,
लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल आएंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो 9-10 सवाल तो मैंने क्लास में करा दिए, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स भी एक दो मैंने करा दी, राइट। उनके अलावा पैक के क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन और सोल्यूशन इकट्ठे मैं अपलोड कर दूंगी इनशाला। आज मैं उनकी कंपाइलेशन कर दूंगी, ठीक है, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लाके मैं इंशाल्लाह, आप कल परसों उसको देख लीजिएगा एलएमएस पे। तो रेवेन्यू के लिए यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब उसमें किस तरह से पढ़ना है, देखिए आपको नॉर्मल रूल्स तो पता लग गए, अब ये है टेक्निकल स्टैंडर्ड, आप किस तरह से करें, एक क्वेश्चन उठाएं। अब इन 9 क्वेश्चन के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन में अपलोड करूंगी, जो अपने पर्सनल प्राइवेट प्रैक्टिस में आपने यूज करना है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को उठाया अपनी तरफ से फुल दें, फुल सोचे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट है, 5 क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या लग रहा है, कमर्शियल असिस्टेंस है नहीं है, इस तरह की चीजें आपने देखी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन का सिनेरियो है, कंफर्म हुआ है, एस्टिमेटेड है नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, रेवेन्यू रिकग्निशन होनी कब चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कब हो रही है, ये सारे काम करने के बाद आप अपने हिसाब से देखें कि आंसर क्या आएगा और उसको पीछे से कर लें, कंपेयर। सोल्यूशन में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, आपने सोल्यूशन में सिर्फ अपना क्रक्स देखना है कि आपने जो मेन पॉइंट लिखे हैं क्या वो सोल्यूशन से मैच करें या नहीं करें। अगर मैच नहीं करता सोल्यूशन तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेक इट एज इफ मैं आपको लेक्चर में ये बात बता रही हूँ कि इस तरह के सिनेरियो में इस तरह से करना है। देखिए सिनेरियोस हैं तो अच्छे खासे, लेकिन FAR 1 में हम बहुत एडवांस किस्म के सिनेरियोस की बात नहीं करेंगे। अगर आप देखो, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर वही रीपर्चेज वाली सिचुएशन में देता हूँ, आपको पता लग गया है कि रीपर्चेज जैसे ही होगा, रीपर्चेज जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगी कि अगर इस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रीपर्चेज का ऑप्शन इस डेट तक अवेलेबल है, तो हमने कहना है कि जिस डेट तक रीपर्चेज का ऑप्शन है उस डेट तक हमने लोन को उन पैसों को जो हमने 5 लाख उस सिनेरियो में जो रिसीव हुए थे उसको हमने ट्रीट करना है एज अ लाइबिलिटी, उसके ऊपर एक्सपेंस बुक करते रहना है, भले ऑप्शन एक्सरसाइज हो ना हो, राइट, एक्सपेंस की बुकिंग होगी क्योंकि उस पीरियड तक वो लोन आपका ट्रीट होता रहेगा। तो क्या हो सकता है, रीपर्चेज में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके अगर रीपर्चेज का एक और क्वेश्चन में बना दूं तो अब आपको इसकी ट्रीटमेंट पता लग गई ना। इसी तरह से मैं अगर आपको ये बता दूं कि जी हमें अमाउंट पे करना था कस्टमर्स को, कोई हम क्वेश्चन कर चुके हैं वाला है ना, अमाउंट पेबल टू कस्टमर्स हम कर चुके हैं, 1 मिलियन और 20 मिलियन वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर अमाउंट आपको पे करना हो कस्टमर का, भले फिगर जैसे भी हो, अरेंजमेंट जैसा भी हो, आपको ये पता है कि ट्रांजैक्शन प्राइसेस की होगी, नेटिंग ऑफ, आपने सब चेक क्या करना है, क्या जो कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर है क्या वो किसी डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस के अगेंस्ट है, अगर जवाब आएगा नहीं तो आप कहेंगे एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उसमें आपने कर दिया उसको नेट ऑफ। मेरी बात समझ आ रही है, तो आपके पास मतलब वही कुछ बेसिक रूल्स हैं, उन्हीं को बस वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपको बना के टेस्ट कर सकता है कि अमाउंट चेंज कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर देगा उसका। बाकी मेरे ख्याल से हमने जो बेसिक एग्जांपल्स कर लिए हैं, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, उससे आपको मेजर रूल्स के बारे में तो पता लग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जो हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, जो एक चीज समझने जा रहे हैं, उसके अंदर हम देखेंगे फाइनेंसिंग का एलिमेंट। फाइनेंसिंग क्या होती है देख लेते हैं इसको। शबी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट बॉडी ऑन 1 अप्रैल 2011 टू अंडरटेक मेंटेनेंस सर्विसेज ऑन अ न्यू रेलवे लाइन। द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹5 मिलियन ओवर अ 3-year period फुल स्टॉप। कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शबी विल प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट ऑन अ न्यू रेलवे लाइन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। नंबर 2, अब इसके अंदर हमने क्या कहना है कि देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अब क्या है, मेंटेनेंस सर्विसेज है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मेंटेनेंस सर्विसेज, क्या आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पे सारी मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करोगे, नहीं, मेंटेनेंस सर्विसेज ओवर 3 years, ये आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। आगे द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट ₹1 मिलियन विल बी पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो पेमेंट टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, बट ऑल्दो इनवॉइसेज विल बी सब्सिक्वेंटली सेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर द गवर्नमेंट अथॉरिटी विल ओनली सेटल द सब्सिक्वेंट अमाउंट्स ओविंग व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड। अब वो क्या कह रहा है, देखिए 3 साल तक ये काम चलता रहेगा, गवर्नमेंट सिर्फ ₹1 मिलियन पे करेगी आउट ऑफ टोटल 5 मिलियन। पेमेंट कितनी करेगी गवर्नमेंट, सिर्फ 1 मिलियन की पेमेंट करेगी, और वो कब करेगी, डे 1 पे, ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
और फिर होगा क्या, अब जैसी बात है हर साल के आखिर पे शबीर जो है वो गवर्नमेंट को इनवॉइसेस तो भेजता रहेगा। अब वो इनवॉइसेस क्यों भेजेगा, जितना काम उसने कंप्लीट कर लिया होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो इनवॉइसिंग करता रहेगा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम आपको पे करेंगे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जो शबी का पहला ईयर एंड होगा उसमें उसने कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, भले उसको गवर्नमेंट से पैसे मिले या ना मिले, उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो अपनी सेटिस्फाई करना शुरू कर दिए ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितने की उसने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी होगी टिल दैट डेट टिल द एंड ऑफ दैट ईयर, हमने उतने का रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज करना है। ये तो जनरल रूल है ना। स्टेप नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एकदम से सेटिस्फाई नहीं हो रही, 3 साल के अरसे पे हो रही है। तो हर साल के एंड पे, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हमने ये देखना है कि हमने कितने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी। यहां तक बात समझ आ रही है? अब देखिए यहां पे एक और चीज क्या हो रही है, आपका जो कस्टमर है जो गवर्नमेंट है वो क्या टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर रहा है आपको? नहीं ना, उसने सिर्फ आपको 1 मिलियन की एडवांस पेमेंट की और बाकी वो कह रहा है कि हम पे करेंगे कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि 3 साल के बाद इकट्ठी हम पेमेंट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ रही है ना? तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपसे अमाउंट ड्यू होती रहेगी आप पेमेंट मत करना, आप इकट्ठा 3 साल के बाद पेमेंट कर देना। यहां तक बात समझ आ रही है? 4 मिलियन की जो अमाउंट है वो क्या कह रहा है, हम इकट्ठा पे करेंगे। अब इस तरह का कोई सिनेरियो हो ना जिसमें कस्टमर जो है वो उस टाइम पे ना करे बल्कि उससे 1-2-3 साल के बाद पे करे, कौन से टाइम से, 2-3 साल के बाद जिस टाइम पे वो उसके पैसे ड्यू होते हैं, तो हम उसमें कहेंगे एज इफ हमने कस्टमर को लोन दिया हुआ है, हमने कस्टमर को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। यही होता है ना जब आप क्रेडिट पे किसी कस्टमर को सेल करते हो कोई चीज, तो आप क्या कहते हो, अभी पैसे मत दो, अपने पास रखो, इस्तेमाल करो, 2-3 महीने के बाद हमें पे कर देना। तो ये नदोवत क्या चीज होती है, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है एज इफ आपने उस कस्टमर को शॉर्ट टर्म लोन दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले साल के आखिरी दिन पे 2.8 मिलियन तक का काम कर लिया था किसने, शबी ने, तो 2.8 मिलियन उसको मिल जाने चाहिए थे लेकिन नहीं मिलेंगे, है ना। इसी तरह अगले साल, उससे अगले साल के आखिरी दिन में हम कहेंगे कि हमने इतने इस पूरे साल में अब टोटल कितने का काम कर लिया इस पर्टिकुलर एक ईयर में, 1.2 मिलियन का, लेकिन क्या उसको 1.2 मिलियन पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो तो मिलेंगे कब, द बैलेंस विल बी इनवॉइस्ड ऑन 31 मार्च 2014 पे 3 साल कंप्लीट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा और हमें पैसे रिसीव होंगे। तो इन अदर वर्ड हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं पैसे अभी मत दो, इकट्ठे दे देना, कितने 4 मिलियन के। तो हमने एक किस्म का गवर्नमेंट को क्या देते जा रहे हैं, लोन देते जा रहे हैं उसको कि भाई आप रखो अपने पास। अब होगा क्या, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट अग्री हुई है ना 5 मिलियन के, हमें ये बात पता है कि ये पैसे हमें फौरन से नहीं मिलेंगे, तो हमने इसमें क्या फिगर यहाँ पे ऐड की होगी, इंटरेस्ट इनकम की, हमने इंटरेस्ट भी इसमें चार्ज किया होगा गवर्नमेंट से, वो हमारे लिए इनकम है लेकिन वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनेगा, सही है, उसको हमने अलग से इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करना है, इंटरेस्ट इनकम शुड नॉट बी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आर रेवेन्यू। यहां तक बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ गई कि इस 5 मिलियन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि किससे पर्टेन कर रहा है, मेंटेनेंस सर्विसेज से। एक तो हम गवर्नमेंट को वो अमाउंट चार्ज करें जो कि वाकई में हमारी सर्विस की चार्जेस हैं, और एक हम उससे 5 मिलियन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस चीज का भी है कि हम जो उसको ये डिलेड पेमेंट का हमने उसके साथ अग्री किया है कि आप जिस टाइम डेट पे टाइम अमाउंट दी होगी आप नहीं पे करो, बाद में पे कर लेना, तो हमने जो गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी दी है डिलेड पेमेंट की, एक किस्म का हम आप इस 5 मिलियन में कुछ एलिमेंट इंटरेस्ट का भी गवर्नमेंट से चार्ज करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर गवर्नमेंट हमें टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर दे, यानी कि वो ये ना कहे कि हम कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में एकदम से एक इकट्ठी पेमेंट करेंगे, तो उसको 5 मिलियन से कम की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पड़ेगी, नेचुरली सी बात है। फिर हमें सिर्फ क्या चार्ज करना है,
हमें उससे सिर्फ मेंटेनेंस सर्विसेज की कॉस्ट चार्ज करनी है, सिर्फ प्राइस चार्ज करनी है। यहाँ तो बात समझ आ गई। अगर आपके पास नहीं 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 अब इनवॉइसिंग वो मुख्तलिफ कर है ना, इनवॉइसिंग वो इकट्ठी 5 मिलियन की थोड़ी कर है, वो तो 2.8 मिलियन की कर है 31 मार्च पे और 1.2 मिलियन की कर है बाद में, मैंने बिट्स एंड पीसेस में कर है। लेकिन अब उन इनवॉइसेस में अगेन इंटरेस्ट का एलिमेंट आ गया। इतनी बात समझ लें, अब यहाँ पे कैश प्राइस कैसे गिवन तो नहीं है। कैश प्राइस से क्या मतलब है? कैश प्राइस से मतलब ये है कि अगर सामने वाली पार्टी हमें आज के दिन उन गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट कर दे, तो उसके फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इतना से बता दूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कैश प्राइस कितनी है, कैश प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 4.5 मिलियन। क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे जैसे पेमेंट ड्यू होती जाए, जैसे जैसे हम काम करते जाएं, जैसे जैसे हम गवर्नमेंट को इनवॉइसेस भेजते जाएं और वो हमें फॉरन से उनकी पेमेंट भी करती रहे, अगर ये सिनेरियो हो तो हम गवर्नमेंट को कितना चार्ज करें? 4.5 मिलियन। लेकिन अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 मिलियन। अब ये 4.5 क्वेश्चन में नहीं गिवन, मैंने आपको वैसे ही सिर्फ आपको बता दी। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि आपकी कैश प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज कम है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा अग्री हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनल 0.5 मिलियन है ना, वो हमारी इंटरेस्ट इनकम है। सही है, हमें रेवेन्यू कितने से रिकॉग्नाइज करना है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है उस अमाउंट पे दैट रिफ्लेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज, दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मिलियन आपका चार्ज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज एन इंटरेस्ट इनकम और 4.5 मिलियन आपका चार्ज होगा एज रेवेन्यू। अब ये 4.5 मिलियन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये हम क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने डिलेड पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट अग्री किया हुआ है कि जी गवर्नमेंट उस टाइम पे ना करे। अब इधर आ जाए, अब यहां पे देखें क्या हो रहा है। अब वो इकट्ठे ऑब्वियसली हम क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी परफॉर्मेंस सर्टिफाई करें ना ऑब्लिगेशन, तो हम फिर इनवॉइसेस भी क्या भेज रहे हैं। देखिये आपने ईयर एंड 31 मार्च 2012 एक पूरा साल गुजरने के बाद गवर्नमेंट को कितने की इनवॉइस भेजी? 2.8 मिलियन की। ठीक है, फिर अगले साल 31 मार्च 2013 में हमने गवर्नमेंट को एक और इनवॉइस भेज दी 1.2 मिलियन की, यानी कि टोटल इस पॉइंट तक हमने कितने की इनवॉइसिंग कर ली आउट ऑफ 5 मिलियन? 2.8 प्लस 1.2 यानी कि 4 मिलियन। ठीक है, तो 5 मिलियन में से टोटल जो इनवॉइसेज आप भेज चुकोगे 31 मार्च 2013 तक, वो होगी 4 मिलियन की। किस तरह से आया? 2.8 मिलियन आपने भेजा है स्टेट पे फॉर दिस ईयर एंड 1.2 मिलियन आपने भेजा है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो 5 मिलियन ही हम उनसे अल्टीमेटली चार्ज करेंगे, लेकिन उसको हमने ब्रेक करके कर दिया क्योंकि 3 साल के वक्त अरसे के ऊपर है। अब यहां पे देखें, इतनी बात सब अग्री कर रहे हैं कि जब 5 मिलियन में एक एलिमेंट होगा इंटरेस्ट का, तो नेचुरली सी बात है जो हम अलग अलग इनवॉइसेस भेज रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा, हम उसमें भी इंटरेस्ट चार्ज करके भेजेंगे, है ना। अब 2.8 मिलियन में कितनी अमाउंट परटेन करती है मेंटेनेंस सर्विसेज की, वो अब हमें कैलकुलेट करना है। अब नीचे देखें, द बैलेंस विल बी इनवॉइस्ड ऑन 31 मार्च 2014, शबी हैज ओनली अकाउंटेड फॉर द इनिशियल पेमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अप टू 31 मार्च 2012, एज नो सब्सिक्वेंट अमाउंट आर टू बी पेड अंटिल 31 मार्च 2014। क्या शबी ने ठीक किया है? वो कह रहा है कि हमें सिर्फ जो 1.1 मिलियन का जो हमें एडवांस रिसीव हुआ था ना, हमने सिर्फ उसी की डबल एंट्री पास की थी। तो आपने आपको क्या कहना है, गलत किया ना? हमने 31 मार्च 2012 तक काम तो किया है ना, तो हमें जितना हमने काम किया है, जितनी हमने मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, जितनी हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल की है, हमारे रेवेन्यू को उस फिगर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सही है,
अब आगे देखिए, the amount of invoices reflect the work undertaken in the period. तो ये आपको इसलिए कह रहा है कि 2.8 मिलियन जो इनवॉइस है ना, वो बिल्कुल करेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने काम भी इसी हिसाब से किया है, ठीक है. तो रेवेन्यू भी आपने इसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है. द अमाउंट शबी विच विशेज टू नो हाउ टू अकाउंट फॉर द रेवेन्यू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डेट. मार्केट इंटरेस्ट रेट आर करंटली एट 6%. अब ये मार्केट इंटरेस्ट रेट क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए आपको दिया हुआ है ताकि आप डिस्काउंटिंग कर सको. टाइम वैल्यू ऑफ मनी QRM याद है, जी QRM याद है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कुछ आइडिया है इसका क्या होता था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम क्या करते थे, ये हमें इंटरेस्ट रेट गिवन होता था, इसी से तो हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट इनकम क्या होगी. आपको अब क्या निकालनी है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है. ये जो टोटल 5 मिलियन की अमाउंट है, 5 मिलियन में से 1 मिलियन तो आपको रिसीव हो गया, ठीक है. रिमेनिंग अमाउंट जो 4 मिलियन की है वो फ्यूचर वैल्यू है ना, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको टोटल इतने का रिसीव होगा. आपको आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कि अगर मैं उसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट निकाल दूं तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा, है ना. और मैंने आपको बता दिया है कि रेवेन्यू किस अमाउंट पे चार्ज होना चाहिए. रेवेन्यू शुड बी चार्ज व्हाट, कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज कितने की ली है. तो आपको बेसिकली क्या निकालनी है, आपको निकालनी है कैश प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड टू डे. अब बात समझ आ रही है कि अगर मैं 31 मार्च 2012 को गवर्नमेंट से पैसे ले लेती तो मुझे नेचुरली सी बात है 2.8 मिलियन से कम का ही पैसा मिलना था, क्योंकि 2.8 मिलियन में तो मैंने इंटरेस्ट का एलिमेंट भी तो रिकॉर्ड किया हुआ है. इंटरेस्ट इनकम इज नॉट योर रेवेन्यू, इट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी बात समझ आ रही है. अब हम इंटरेस्ट रेट को यूज करते हुए हम डिस्काउंटिंग बेसिकली करेंगे. अब सवाल ये आता है कि आपका जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए. तो रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड होगा पहले साल में, 31 मार्च 2012 में आप क्या कहेंगे कि जी शबी ने कितने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना. आप देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, पहले साल में हो क्या रहा है, आपने गवर्नमेंट को ये कहा कि टोटल जो हमने काम किया है ना, जो टोटल हम इनवॉइस भेज रहे हैं वो कितने की है, 2.8 मिलियन की. तो पहले तो आप इधर देखिए, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 2.8 मिलियन. अब 2.8 मिलियन में से अब हम ये एलिमेंट निकाल रहे हैं कि हमने उसको फाइनेंसिंग कितने की दी, ताकि हम इंटरेस्ट इनकम अपना कैलकुलेट करें. जब आप इसमें आपने देखा तो आपने ये कहा कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से 1 मिलियन तो हमें गवर्नमेंट ने पे कर दिया ना, यानी कि जो हमने पहले साल का एक किस्म का उसको लोन दिया है, फाइनेंसिंग की उसको फैसिलिटी दी है, वो कितने की है, 1.8 मिलियन की, है ना. सही है. अब हमने करना क्या है, फाइनेंसिंग प्लस मेंटेनेंस प्राइस. तो हमने उसको फाइनेंसिंग के अगेंस्ट जो चार्ज करना है और मेंटेनेंस सर्विसेज के अगेंस्ट जो चार्ज करना है वो टोटल है 1.8 मिलियन. इसमें से आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस सर्विसेज को. तो आप इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, आप ये कहेंगे पूरा एक साल गुजरा है ना, अभी पूरे एक साल का ये काम है, तो एक किस्म का हमने आज की डेट से लेके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट से लेके अगले एक साल तक, आपने पूरे अगले एक साल तक इसको कितने का एक किस्म का लोन दिया है, 1.8 मिलियन का, 31 मार्च 2012 तक, राइट. आपने उसको कितने का लोन दिया है, आप इसको क्या कर देंगे, 1 ईयर पे कर देंगे डिस्काउंट. कैसे करेंगे डिस्काउंट, 1.8 डिवाइडेड बाय, कि अगर हमें ये 1.8 मिलियन टाइम पे पे कर देता, यानी कि 1.8 डिवाइडेड बाय 1.06, जरा कैलकुलेट करें कितना आंसर आ रहा है. अगर ये हमें टाइमली बेसिस पे कर देता तो हम इसको कितना चार्ज करते,
1.6 million, 1.698, 1.6 million, चले 1. इसको 1.7 ही कर लेते हैं. राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मिलियन. तो इसकी कैश प्राइस कितनी है? 1.7 मिलियन. ठीक है, कैश प्राइस कितनी होगी? इसका मतलब है जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, जिनके अगेंस्ट हमने पैसे नहीं लिए, कैश प्राइस उसकी कितनी है? 1.7 मिलियन. आपने कितने का उससे चार्ज किया है, कितने की उसको इन्वाइस भेजी है? रिमाइंडर अमाउंट की 1.8. तो यानी कि 0.1 मिलियन क्या हो गया आपका? इंटरेस्ट का एलिमेंट हो गया ना. तो आपने पहले साल के एंड पे रेवेन्यू कितना रिकग्नाइज करना है? आप ये कह देंगे 2.8 मिलियन का टोटल हमने काम किया था, है ना. 2.8 मिलियन का हमने टोटल इनवॉइस भेजी थी, सॉरी, हमने काम टोटल कितने का किया था? 1 मिलियन की तो उसने पेमेंट हमें कर दी, वो तो हमें डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है. और रिमेनिंग 1.7 मिलियन वो पर्टेन करता है उन सर्विसेज से जिनका हमने इनवॉइस कर दिया लेकिन उसने हमें पे नहीं किया. तो आपके पास टोटल रेवेन्यू रिकग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 कितना होगा? 2.7 मिलियन. ठीक है, अगर तो उसने हमें वो 1 मिलियन की वो पेमेंट ना दी होती एडवांस की, तो हम क्या करते? पूरे के पूरे 2.8 मिलियन को हम इस तरह से डिस्काउंट कर देते, 2.8 डिवाइडेड बाय 1.06, और जो आंसर होता हम उसको रिकॉर्ड कर लेते थे कि हमारा रेवेन्यू अब ये है, क्योंकि फिर उसमें पूरा 2.8 मिलियन आपने किस्म का उसको दिया हुआ होता है एज अ फाइनेंस. लेकिन यहाँ पे हम 2.8 मिलियन की जो इनवॉइसिंग कर रहे हैं उसमें से 1 मिलियन हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है. तो अब इसकी डबल एंट्रीज क्या होंगी, किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे? हम कुछ इस तरह से बात करेंगे, हमें पैसे नहीं मिले ना, सॉरी 1.7 रिसीवेबल है. यहां तक बात क्लियर है? आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली इसकी, जी क्लियर है बात? कैश हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, जो हमने एडवांस पेमेंट अपनी रिसीव कर ली थी हमने, इन अदर वर्ड जैसे ही कैश रिसीव किया था ना पहले दिन, हमने कैश को डेबिट कर दिया था 1 मिलियन से, रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया था 1 मिलियन से. और फिर हम साल के आखिरी दिन क्या करेंगे? रिसीवेबल डेबिट करेंगे 1.7 से और रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे 1.7 से. तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या होना चाहिए था? आपके पास ड्यूरिंग दिस ईयर कैश डेबिट होता, रिसीवेबल डेबिट होता और रेवेन्यू क्रिएट होता टोटल 2.7 मिलियन से. जी कुछ समझ आया? सिर्फ सामा को समझ आ रहा है? व्हाट अबाउट महद, जवाद, हशाम? अभी इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे, अभी तो हमने उसको पहली दफा, अभी तो हम उसको पहली दफा रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज हमने उसको मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन हम इसको कैश पे सेल करते तो हम इसको 1.7 पे सेल करते ना, टोटल यानी कि 2.7 पे, इन अदर वर्ड्स जिसके अगेंस्ट 1 मिलियन का हमारा कैश रिसीव हो गया, रिमेनिंग 1.7 हमारा रिसीवेबल बुक हो गया. अब इसके इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग होगी ना वो अगले साल होगी. यहाँ पे आप क्या ट्रीट कर रहे हो? एज एफ आज के दिन इनवॉइसिंग कर रहे हो ना, आज के दिन इनवॉइसिंग कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि हम आज के दिन पैसे रिसीव नहीं कर रहे, हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह अब हम 1.7 मिलियन का उसको दे रहे हैं लोन. यहां तक बात समझ आई? ठीक है, तो हमने आज के दिन कहना है कि आप इनवॉइस आज भेज रहे हो ना, ठीक है,
सही है। तो आपने आज इस करंट ईयर में, करंट ईयर में तो आपने कहना है कि अभी तो हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे अब हमने 31 मार्च 2012 को इनवॉइस भेजी है कस्टमर अपने गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हमने उनको कहा आप आज के दिन ड्यू है ना पेमेंट, पेमेंट हमने इनवॉइस जिस टाइम भेजेंगे उसी दिन से ऑब्वियसली कस्टमर हमें पे करेगा, उससे पहले तो उसने करना भी नहीं है। तो आज के दिन यानी कि 31 मार्च 2012 पे जब हम 2.8 मिलियन की इनवॉइस भेज रहे हैं तो हम उसमें ये बात कह रहे हैं कि जी आपने 1 मिलियन की तो पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, 1.7 रिमेनिंग समझें कि जी ये हम आपको एक किस्म का लोन दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है। रिसीवेबल आपने सिर्फ बुक करना है 1.7, कैश डेबिट करना है 1 मिलियन से और रेवेन्यू क्रेडिट करना है 2.7 से। अब बाकी 0.1 मिलियन कहाँ गया उसका क्या करेंगे, वो अगले साल की अकाउंटिंग में आ जाएगा, टेंशन ना लें उसकी। यहां तक बात समझ आ गई। जो अगला जो 0.1 मिलियन इसमें रह गया वो हमने आज के दिन रिकग्नाइज नहीं करनी, बजे इंटरेस्ट हमने अपनी बुक्स में अभी इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। हमने अभी अपनी बुक्स में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना नहीं है, वो कब होगा, वो अगले साल होगा। हम तो देखो हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम तो अपनी अकाउंटिंग में लगे हुए हैं। हमने अब इनवॉइस भेज दिया कस्टमर को क्योंकि हमें पता है कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर हमें पूरे 5 मिलियन की इनवॉइसेस भेजनी है और आपको पता है कि इस 5 मिलियन में इंटरेस्ट भी शामिल है। लेकिन आप इंटरेस्ट अभी नहीं रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा अगले साल, क्योंकि एक किस्म का ये होगा कि हमने जो पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2012 पे जो हमने 1.7 मिलियन का लोन दिया था, अब अगले साल उस पर कितना टोटल, अगले पूरे साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो हम अब अगले साल रिकॉर्ड करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। आपने इस तरह से लेना है एज इफ व्हाट, एज इफ आप आज के दिन क्योंकि इनवॉइस भेज रहे हो, आज के दिन कस्टमर को बता रहे हो कि जी आपने हमने आपका इतना काम कर दिया, आपका इतनी बिलिंग हुई है टोटल, तो हमने कहा उसमें से 1 मिलियन ऑलरेडी रिसीव्ड है, रिमेनिंग 1.7 मिलियन हम रिसीवेबल बुक कर लेंगे। रिसीवेबल किसका बुक करना है, अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स पहले साल में सिर्फ, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम हमारी बन रही वो अगले साल से शुरू होगी ना, यानी कि वो 1 अप्रैल 2012 से हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हम ये कहेंगे आज के दिन तो हमने उसको लोन कितने का दिया है, किस्म का फाइनेंसिंग का कितने की हमने उसको करने दिया है, 1.7 मिलियन की। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि हम 2.8 मिलियन को सिर्फ हमें कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा है कि आपने 2.8 मिलियन के अंदर एक इंटरेस्ट का भी एलिमेंट शामिल है उसको निकाल बाहर करना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे आ जाए कि अगले साल क्या सिचुएशन होगा। अगले साल सिचुएशन ये होगा आपके पास 31 मार्च 2013 पे। अब क्या सिचुएशन हो रहा है, आपने दो काम किए हैं, एक तो आपने उसको 1.7 मिलियन का पूरा एक लोन यूज करने दिया ना, तो वर्ड है ना जो कि ड्यू था कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2012 पे, एक तो आपने ये काम करने दिया। दूसरा आपने क्या काम किया, मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की। तो अब इस साल में क्या होगा, एक तो आपका इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड होता रहेगा और साथ ही आपका रेवेन्यू भी रिकग्नाइज होता रहेगा। अब रेवेन्यू कितने पे रिकग्नाइज करना है, इस साल आपने टोटल, ये सिर्फ इस साल की इनवॉइस है, ये सिर्फ इस साल का काम प्लस इंटरेस्ट का एलिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपने कहा कि इस साल कितना हमारे हमने इसको इनवॉइस किया है, हमने इसको किया है 1.2 मिलियन। तो पहले तो आप ये काम करें कि आप इस 1.2 मिलियन की बिल्कुल उसी तरह से डिस्काउंटिंग कर लें। आप ये कहें 1.2 मिलियन हमारा ड्यू है, अगर आज के दिन हम इसके अगेंस्ट पैसे रिसीव कर लेते तो हमारे पास कितना पैसे आ जाते, आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, कितना आंसर आ रहा है, 1.13। ये 1.13 मिलियन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पूरे 1.2 मिलियन में से 1.13 है चार्ज कर रहे हो आप अगेंस्ट सेल ऑफ सर्विसेज, अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो जब आप 31 मार्च 2013 के ईयर एंड पे खड़े हो गए और आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे होगे, आप कहोगे कि इसमें जो एलिमेंट इंटरेस्ट का एलिमेंट है वो मैंने निकाल देना है,
मैंने निकाल देना उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 1.13। अब आपने क्या किया, क्या आपको इस डेट पे पैसे मिल रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, तो हमने क्या बुक कर लिया, रिसीवेबल हमने डेबिट किया 1.13 से और हमने रेवेन्यू क्रेडिट किया 1.13 से। यहां तक बात समझ आ गई? और फिर आपने कहा कि इस पूरे साल हमने एक और फैसिलिटी भी तो दी है, वो अमाउंट जो कि ड्यू हो गई थी कौन सी डेट पे, 31 मार्च 2012 पे। हमारे पास रिसीवेबल क्रिएट कम हो रहा है 31 मार्च 2012 पे, तो एक किस्म का हमने उसको लोन कम दिया 1.7 मिलियन का 31 मार्च 2012 पे। तो अब आप ये कहेंगे कि पूरा एक साल गुजर जाएगा, हम खड़े होकर ये बोलेंगे कि देखो इसने तो आज की इस साल की भी पेमेंट नहीं की और पिछले साल की भी इसने पेमेंट नहीं की हुई, चलो इस साल की पेमेंट तो आज ही के दिन ड्यू हो रही है, हम आज ही के दिन उसको इनवॉइस भेज रहे हैं, तो आज ही के दिन उसको पता लग रहा है कि कितना पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन हमने जो उसको पिछले साल 1.7 मिलियन का बता दिया था, हमने उसको बता दिया था कि ये इनवॉइस ड्यू है आपसे और उसने उसके ऊपर हमें पेमेंट नहीं की, तो हम अब इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी तो रिकॉर्ड करें। तो अब आप क्या करोगे, आपने 31 मार्च 2012 पे कितने का एक किस्म का लोन दिया था उसको, 1.7 मिलियन का। पूरा एक साल गुजर गया, कितने का इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा? आप ये कहोगे 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 6%, लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट, कितना आ रहा है आंसर, 6% का लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो आपने कहा साथ ही फिर हम एक काम ये कर देंगे, 0.102 मिलियन का हमने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देना है। क्या हमें इंटरेस्ट इनकम ये आज पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा, चलो जी साथ हम रिसीवेबल में इस चीज को भी ऐड कर देते हैं। तो अगर आप 31 मार्च 2012 पे 13 पे खड़े होकर देखोगे ना, तो रिसीवेबल के कैरेट डाउन में अब तीन फिगर्स आ रही होंगी, 1.7 मिलियन प्लस 1.13 मिलियन, ये दोनों फिगर्स मिला के हो जाएंगी कि हमने टू डेट कितने की सर्विसेज प्रोवाइड की, और फिर हम इसमें इस साल जो इंटरेस्ट इनकम उससे हमने वो फिगर भी ऐड कर दी है ना। अब अगले साल क्या होगा, 31 मार्च 2014 पे जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा ना, वो इन तीनों फिगर्स पे मिला के होगा। हम एक किस्म का क्या दे रहे हैं, हमने पिछले साल इसको लोन दे दिया 1.5 मिलियन का, हमने कहा था जितने की सर्विसेज का चार्ज बनता है ना, चलो आज के दिन पे मत करो, हमने रिसीवेबल बुक कर लिया। फिर हमने कहा अगले साल, अब हमने इसको कितने की सर्विसेज प्रोवाइड की थी, 2013 में हमने इसको 1.13 की सर्विसेज प्रोवाइड की थी और हमने उसको जो इंटरेस्ट उसका बनता था हमने उसके भी पैसे नहीं लिए थे। आप 31 मार्च 2013 का अगर पूछा जाता ना कि 31 मार्च 2014 पे क्या पोजीशन होगी, अज्यूमिंग कि वो पेमेंट अभी तक उसने नहीं की, तो हम ये कहेंगे, पहले तो हम कहेंगे कि हमने पहले रिसीवेबल बुक करना है किसके ऊपर, पहले हम गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे। तो अगर आप देखो तो मुझे खुद बताओ, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि 31 मार्च 2013 तक टोटल इनवॉइसिंग कितने की हो चुकी हुई है, 4 मिलियन की। प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, 5 मिलियन। तो जो बैलेंस इनवॉइस होगा 31 मार्च 2014 पे वो कितने का होगा, 1 मिलियन का। अब 1 मिलियन में भी इंटरेस्ट का एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा। अज्यूम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पे नहीं करती, ठीक है, अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट पे नहीं करती, तो अभी हम क्या करेंगे, अब रिसीवेबल बुक करने के लिए क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू कर दें कि गवर्नमेंट हमें पे नहीं कर रही। अगर पे कर लेती है 31 मार्च 2014 पे, तो उसकी क्या डबल एंट्रीज होंगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ जी। तो अब क्या करोगे, किशनगढ़ आप इसका भी लोन दे रहे हो ना 1 मिलियन का, यहां तक बात समझ आ रही है? तो अगले साल जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा वो कितने का होगा, 0.9433 अगेन, एंड द प्रोसेस वुड कंटिन्यू। कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से ज्यादा का होता है और गवर्नमेंट पे नहीं करती 3 साल के उस पे, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से कंटिन्यू कर देंगे टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2014 पे, ठीक है,
अच्छा इसको मैं जरा कंप्लीट कर लेती हूँ कि अगर आपके पास ये सिचुएशन होता है कि ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल 4 या 5 साल का होता, तो तीसरे साल की क्लोजिंग पे अब क्या होता, रिसीवेबल आप कितना बुक करते 9433 और रेवेन्यू कब कितना रिकॉर्ड करते 0.9433। अब अगले साल फिर इंटरेस्ट कितना बुक होता आपका, अब आप करते यहाँ पे वर्किंग। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट इनकम हमें बुक करनी है अगले साल। अब आप आ जाएंगे पिछले दो सालों के ऊपर, आपने टोटल कितने का उसको लेवरेज दिया हुआ है, अभी तक पैसे जो रिसीवेबल थे ड्यू और अभी तक आपने पैसे नहीं लिए, 1.7 प्लस 1.13 प्लस 0.102, इस साल की फिगर को निकाल के, ठीक है, ये साल की जो रिसीवेबल फिगर है ये तो इसी दिन ड्यू हो रही है, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा अगले साल, फिर अगले साल पिछले साल तक रिसीवेबल में जितना आया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा एक्सक्लूडिंग करंट ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली फिगर क्यों एक्सक्लूड हो रही है इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये ड्यू ही कब हो रही है, 31 मार्च 2014 को, हम इनवॉइस ही इस दिन पे भेज रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमने तो गवर्नमेंट को बता दिया था उसने पैसे नहीं दिए, बिल्कुल ये आज ही ड्यू हुई, तो इसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पिछले सालों में जितना भी रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती रहेगी। यहां तक बात क्लियर है? तो पहले साल में इसलिए कोई इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि आप गवर्नमेंट को नहीं पता कि जी आपने कितने का काम किया, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि 31 मार्च 2012 को इनवॉइस सारा मुझे पता चले, तो जब उसको कोई बात पता नहीं थी तो हम उसको इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेंगे, हम कहेंगे इंटरेस्ट चार्ज होगा अगले साल से, जो ड्यू ही पे अगर आज हो रही है तो 1.7 अगर तो गवर्नमेंट आज पे करता सर्विसेज का 31 मार्च 2012 पे तो वो कितना पे करता 1.7। हाँ इस तरह भी कह सकते हैं कि आपका जो इनवॉइसिंग का सिस्टम है वो 31 मार्च 2012 पे ही हमारा हो रहा है, 31 मार्च 2013 पे ही इनवॉइसेज इशू हो रही है, तो जिस डेट पे इनवॉइस इशू हो रही है हम कहेंगे उसी डेट पे ड्यू होगा ना, कस्टमर कभी भी इनवॉइस पे भेज मतलब रिसीव करने से पहले तो पेमेंट नहीं करेगा, उसको पहले पता तो चले कि अमाउंट कितनी है, तो हम ये कहेंगे कि अमाउंट ड्यू ही उस दिन स्टार्ट होती है जिस दिन आपका आप इशू करते हो इनवॉइस। यहां तक बात क्लियर है? अब इसको लिखना किस तरह से है, सोल्यूशन इसका इसके साथ ही है इस क्वेश्चन में, रीड कर लेते हैं देखते हैं समझ आई या नहीं आई। उसने सिर्फ आपसे 2 सालों के बारे में पूछा हुआ है कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी इन 2 सालों में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट अपना अपलोड किया है ना उसमें तो मैंने करेक्शन कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है कैलकुलेशन का तो मैं आपके सामने ठीक कर रही हूँ, जरा शुरू से पढ़ते हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज आर साइमल्टेनियसली रिसीव्ड एंड कंज्यूम According to IFRS 15, this means that revenue should be recognized over time based on progress towards the satisfaction of performance obligation. ये बात हमें भी पता है कि आपकी जैसे जैसे performance obligation satisfy हो तब तब आपने revenue को recognize करना है, बिल्कुल layman terms में लिखे, revenue should be recognized as and when the performance obligation is satisfied. And since in this contract performance obligation is satisfied over a period of time, therefore revenue will be recognized over a period of time as well. ठीक है? फिर आप बात करेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा 5 million का revenue recognized होगा या इसमें से कम amount recognized होगी? तो मैंने आपको ये बता दिया कि revenue will be only recognized to the extent of maintenance services का जो charge है. इंटरेस्ट इनकम इज नॉट योर रेवेन्यू, इट इज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। अब देखें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉमिस्ड सर्विसेज एंड द पेमेंट डेट सजेस्ट दैट द कस्टमर इज बीइंग प्रोवाइडेड विद अ फाइनेंसिंग बेनिफिट, कंसिडरेशन शुड देयरफॉर बी डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द रेट एट विच द कस्टमर कुड बोरो, और वो रेट कौन सा है, मार्केट इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपका कस्टमर जो है वो लोन लेता इतने का मार्केट से तो उसको कितने का इंटरेस्ट पे करना पड़ता, ठीक है, तो हम उतने का ही इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। द कैलकुलेशन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड रेवेन्यू एंड द पेमेंट रिसीव शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट इनकम, जो कि हम अगले साल से करें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द रेवेन्यू एज फॉलोज, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 शबी शुड हैव रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 2.7 मिलियन,
और ये किस तरह से आया, ₹1 मिलियन जो कि आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिल चुका, टाइमली बेसिस पे मिल चुका, इसको डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, प्लस जो रिमेनिंग 1.8 मिलियन है उसमें फाइनेंसिंग का एलिमेंट शामिल है, क्योंकि हमने 1.8 मिलियन के पैसे गवर्नमेंट से रिसीव नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे डिस्काउंट। सिंस शबी हैज रिसीव्ड 1 मिलियन कैश और रिसीवेबल ऑफ ₹1.6 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यहां तक बात क्लियर है, ये 1.7 मिलियन होगा क्योंकि हमने सेल टोटल 2.7, रेवेन्यू टोटल 2.7 का रिकॉग्नाइज किया, कैश डेबिट 1 मिलियन और 1.7 मिलियन आपका रिसीवेबल। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे वो क्या कह रहा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट ₹1.13 मिलियन। और कैसे हुआ ये 1.13 मिलियन, 1.2 मिलियन की आपने इनवॉइसिंग की थी अपने कस्टमर को, उसको ये बताया था कि हमने जो सर्विसेज ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रोवाइड, अब आपको पता है ना रेवेन्यू तो आपका एज एंड व्हेन आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आप वही करते हो, तो टोटल आपने जितना भी किया उसमें से 2.7 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके थे लास्ट ईयर, 1.13 मिलियन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे इस साल के, इस साल हमने कितनी की सर्विसेज प्रोवाइड की, सेल वैल्यू में कितनी थी 1.13, और ये किस तरह से आया, इस साल की इनवॉइस कितनी थी 1.2 मिलियन, आपको पता है कि जी आपने पैसे नहीं लेने, आपने इसको करना है डिस्काउंट। इन एडिशन द डिस्काउंट ऑन रिसीवेबल रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, तो अब क्या हो रहा है, रिसीवेबल कौन सी डेट पे रिकॉग्नाइज किया था, 31 मार्च 2012 पे, तो अब अगले साल के आखिरी दिन आपका हो गया, पूरे 12 महीने हो गए हमें 1.7 मिलियन रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो चलो जिस पे अब इंटरेस्ट एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी इंटरेस्ट इनकम ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कितना है, कितना कैलकुलेट किया, 1, ये हम 1. ठीक है 1,02,000, मैं इसको अपडेट कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का मिस्टेक था, 1.7 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6%। जी बात क्लियर है, और जैसे जैसे रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ता जाएगा, अब रिसीवेबल के बैलेंस में आप सर्विसेज वाला भी रिसीवेबल बुक कर रहे हो और इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बुक कर रहे हो, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट इनकम उसी हिसाब से आपकी कैलकुलेट होती रहेगी अगले अगले साल। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इसमें एक ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट था, इसको हमने कर लिया, जस्ट गिव मी अनदर मिनट, मैं एक और क्वेश्चन आपका डाउनलोड कर लूं, नहीं बल्कि मैंने कर लिया हुआ है तो मैं खोल लूं। अब ये आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत बताना है, क्योंकि ये आपको थोड़ा बहुत आता है, हमने कर लिया ये, सही है। PA supplies laptop computers to large businesses, ठीक है। अच्छा अब आइडिया हो गया ना लिखना किस तरह से, जिस तरह उसमें भी हमने उन्होंने बता दिया कि जी इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे जैसे सेटिस्फाई होती रहेगी हम उस तरह से कैलकुलेट करते रहेंगे, राइट, हमें रिकॉर्ड करते रहना है। फिर हमने थोड़ा सा बता दिया कि इसमें फाइनेंसिंग का एलिमेंट है, क्यों, बिकॉज देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द डेट एट विच द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड एंड द डेट एट विच द इनवॉइसेस आर बीइंग सेंट, राइट। तो डिफरेंस आ गया, इसका मतलब है हम उसको कह रहे हैं कि भाई रखो अपने पास पैसे, राइट, और फिर हम उसके बारे में बता देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, PA supplies laptop computers to large businesses, on 1st July 2005 PA entered into a contract with TR under which TR was to purchase laptops at ₹500 per unit. The contract states that if TR purchases more than 500 laptops in a year, ठीक है, the price per unit is reduced retrospectively to ₹450 per unit. Retrospectively का क्या मतलब है, अब देखो यहां पे भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या आप एक ही दिन सारे के सारे लैपटॉप बेच रहे हो, नहीं ना, क्या है इसमें, वो ये कह रहा है कि अगर पूरे साल में पता ये चलता है कि 500 लैपटॉप से ज्यादा टीआर ने परचेज किए हैं तो क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस पर यूनिट रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि उस पॉइंट तक जब तक 500 लैपटॉप पूरे नहीं होते तब तक तो आप 500 पे ही बेचोगे ना, है ना, यू गेटिंग माय पॉइंट।
जब तक 500 लैपटॉप नहीं होते तब तक तो आप उसको बेच रहे होगे 500 पर यूनिट पे, और जैसे ही वो 500 अपना 501 क्या बोलेंगे उसको 501 जो वो अपना लैपटॉप खरीदेगा, तो हम ये कहेंगे अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि 450 पर यूनिट इसकी प्राइस होगी। लेकिन लिखा हुआ क्या है रेट्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 500 लैपटॉप भी जो वो हमसे खरीद चुका है ना, अब उनकी भी प्राइस कम हो जाएगी। अब ये क्या बात हुई, वो तो बिक चुके हैं, वो तो हो चुका खत्म, देखते हैं इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको वो कह रहा है कि टीएम ईयर एंड 30th जून, चलो सही है। अब आगे देखते हैं, एज एट 30th सितंबर 2005 टीआर हैड बॉट 70 लैपटॉप फ्रॉम टीए। आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था, 1 जुलाई 2005 को, तो अभी सिर्फ एक क्वार्टर गुजरा है, 3 महीने गुजरे है ना। एज एट 30th सितंबर 2005 टीआर हैड बॉट 70 लैपटॉप फ्रॉम टीए। अब उसके पास पूरे एक साल पड़ा हुआ है, उसके पास पूरा एक साल पड़ा हुआ है कि वो कभी भी हो सकता है, अगर पहले 6 महीने में वो कम परचेज करे, अगले 6 महीने में ज्यादा कर ले, इतनी कर ले कि 500 लैपटॉप से ज्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि पहले 3 महीनों में टीआर हैड बॉट 70 लैपटॉप फ्रॉम टीए, टीए देयरफॉर एस्टिमेटेड दैट टीआर परचेजेस वुड नॉट एक्सीड 500 इन द ईयर टू 30 जून 2006। तो उसने वही वाला हिसाब लगाया जो आप कल मुझे बता रहे थे, याद है कि वो 70% कंप्लीट हो गया है अगर पूरे एक साल में, तो अगले 6 महीनों में भी हो जाएगा। लेकिन उसमें एक्सप्रेसिवली उसने बोल दिया था कि उसके बावजूद हमें नजर होता हुआ नहीं आ रहा कॉन्ट्रैक्ट अगले 6 महीनों में कंप्लीट, राइट। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब उसने भी आपकी वाली लॉजिक लगाई, उसने कहा कि अगर इसने 3 महीनों में 70 लैपटॉप खरीदे हैं तो उसके पास टोटल 4 महीने है ना, पूरा एक सॉरी तीन एक क्वार्टर में अगर उसने 70 लैपटॉप खरीदे हैं, यानी कि उसके पास 4 क्वार्टर हैं जिसमें वो 500 अपने पूरे कर सकता है, तो अगर एक क्वार्टर में 500 से ज्यादा कर सकता है, अगर उसने एक क्वार्टर में 70 खरीदे हैं तो 4 क्वार्टर में वो कितने खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा 70 × 4 यानी कि 280, यानी कि 500 वाला उसका अचीव होगा ही नहीं। यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमने क्या किया, 30th सितंबर 2005 पे खड़े होकर वो कह रहा है टीए देयरफॉर एस्टिमेटेड दैट टीआर परचेजेस वुड नॉट एक्सीड 500 इन द ईयर। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये है वेरिएबल कंसिडरेशन की, वेरिएबल कंसिडरेशन होगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक वो 500 अपना 501 लैपटॉप नहीं खरीदता, आपको श्योरिटी होगी नहीं प्राइस क्या रखें, रेवेन्यू कितने पे रिकॉग्नाइज करें, 500 पे करें या 450 पे करें, क्योंकि वो कह रहा है कि प्राइस चेंज होगा रेट्रोस्पेक्टिवली, पिछली शेयर की प्राइस भी चेंज हो जाएगी। तो फिर बंदा करे तो क्या करे, उसमें फिर आपने देखना है कि उस पॉइंट इन टाइम पे खड़े होके हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब यहां पे देखो 30 सितंबर 2005 पे खड़े होके वो क्या कह रहा है कि जी अच्छा मैं आपको ये कह रही हूं, हाँ मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही हूँ, देखो नहीं समझ आई, चलें सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये कहा ये सिचुएशन वेरिएबल कंसिडरेशन का है। वेरिएबल कंसिडरेशन से क्या मुराद, हमें अपनी अल्टीमेट सेलिंग प्राइस पता ही नहीं चल रही, और वो कब तक नहीं कंफर्म होगी, वो तब तक नहीं कंफर्म होगी जब तक टीआर हमारे से 501 लैपटॉप खरीद ही लेता है ना। क्या कह रहा है इसमें, वो ये बात कह रहा है कि अगर तो वो 500 लैपटॉप या उससे कम खरीदेगा पूरे साल में, तो उसको हर लैपटॉप की प्राइस कितनी पड़ेगी, 500 रुपए। और अगर ड्यूरिंग द ईयर वो जो हमारे से परचेजेस कर रहा है वो एक्सीड कर जाती है 500, यानी कि जैसे ही वो 501 लैपटॉप अपना हमारे से खरीदेगा, हम ये कहेंगे कि ये लैपटॉप तो आपको 450 का पड़ गया, यानी कि 500 अप्लाई नहीं होगा, 450 का 501 लैपटॉप भी पड़ेगा, और जो पिछले 500 लैपटॉप आप देख चुके हो ना वो भी अब 450 के हो जाएंगे। अब ये बड़ी अजीब बात है, वो तो आप देख चुके हैं ना, वो तो खत्म हो गया किस्सा, तो अब इसको फिर किस तरह से एडजस्ट करें, पॉलिसी है इस तरह की, हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बात समझ आ रही है। अगर तो ये होता ना कि वो ये बोलता कि भाई आपके 500 लैपटॉप तो 500 के ही बिकेंगे,
हाँ 500 से ज्यादा जितने भी लैपटॉप आप बेचोगे ना वो फिर 450 के हो जाएंगे। यानी कि ये प्राइस चेंज अगर रेट्रोस्पेक्टिव ना होती, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पीछे वाला वाली चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ना, रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि सिर्फ फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ना, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पिछली चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ना, ठीक है। तो अगर तो ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होता सस्पेंसेस से करेगा तो क्या करेगा? वेरी गुड, अब देखते हैं उसको। अब वो क्या कह रहा है, अब देखो आपसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट रेवेन्यू टीए वो रिकॉग्नाइज इन द क्वार्टर एंडेड 31 सितंबर 2005। पहले क्वार्टर के आखिर में वो 3 महीने के बाद ही पहली दफा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का सोच रहा है, ठीक है। अब 30 सितंबर में खड़े होकर हमने, अब वेरिएबल कंसिडरेशन आ गया। वेरिएबल कंसिडरेशन में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आपने एक्सपेक्टेशन को देखना है, एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे, वहां वरना तो हमारा काम नहीं हो सकता। अब हमें ये बात पता है अभी साल खत्म नहीं हुआ, टीआर हो सकता है कि 500 से ज्यादा लैपटॉप हमारे से खरीद ले। अगर वो 500 से ज्यादा लैपटॉप खरीदेगा तो जो हमने ये 70 लैपटॉप अभी बेचे हैं इस करंट मंथ में, तो उनकी सेलिंग प्राइस पे 500 नहीं होगी, 450 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये बात अभी तक हमें कंफर्म ही नहीं हुई है क्योंकि अभी तक टाइम है उसके पास। तो हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेशन पर रिलाय करेंगे। तो अब टीए आपको क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि एस्टिमेशन क्या है। आपको नहीं पता असल सिचुएशन क्या है, वो आपको बताया जाएगा कि एस्टिमेशन क्या है। टीए देयरफॉर एस्टिमेटेड दैट टीआर परचेजेस वुड नॉट एक्सीड 500 इन द ईयर टू 30 जून 2006। तो वो ये कह रहा है कि इस डेट पे खड़े होके हम ये कह रहे हैं कि 30 जून 2006 तक मुश्किल ही लग रहा है कि 500 यूनिट लैपटॉप हमारे से खरीदे। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, हम 70 लैपटॉप को 500 पे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। देखो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द डिलीवरी ऑफ लैपटॉप, बात सुन लीजिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द डिलीवरी ऑफ लैपटॉप ओवर 12 मंथ, ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। रेवेन्यू आपको कब कब रिकॉग्नाइज करना है, जैसे जैसे आप उसको लैपटॉप बेचते रहो। तो अगर आपने 3 महीनों में 70 लैपटॉप बेच दिए ना, तो आपको हर हाल में इस पीरियड में 70 लैपटॉप का कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज करना ही करना है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरे एक साल तक इंतजार करते हैं, 30 जून 2006 पे जब कंफर्म हो जाएगा कि कितने लैपटॉप बिके हम इकट्ठी ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, नहीं। क्योंकि वो IFRS 15 के आखिरी स्टेप के रूल से कोई इंकार ही नहीं करता, वो तो उसको निगेट कर रहे थे। वो तो ये कह रहा है कि अब वो तो इस तरह से हो रहा है कि जैसे आप सारे के सारे 500 लैपटॉप जो है ना, या जितने भी लैपटॉप को 30 जून 2006 पे आप डिलीवर कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे अब आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज बीइंग फुलफिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। अब आपने 70 लैपटॉप बेच दिए 30 सितंबर 2005 के क्वार्टर में, तो आपको लाजमन 70 लैपटॉप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड जरूर करना है। सवाल ये आता है कि क्या ये 70 लैपटॉप की प्राइस पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500 होगी या 450 पर यूनिट होगी। उसके लिए फिर आपने जाना है एस्टिमेट पे। एस्टिमेट में वो क्या कह रहा है कि नहीं होंगे 500 लैपटॉप से ज्यादा सेल्स। तो आप कहोगे कि अच्छा फिर उसके लिए उसको वॉल्यूम का डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं टीआर को। तो फिर हम 70 लैपटॉप का इस डेट पे कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कितना, 70 × 500 यानी कि 35,000 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। तो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्वार्टर एंडेड 31 सितंबर 2005 इज 35,000। इसको जरा देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15 टू टीआर परचेजिंग पैटर्न, TA should conclude that it was highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized would not occur. आपने उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपने कहना है ऑन 30 सितंबर 2005 TA did not estimate, TA estimated that it would not, क्या लिखा हुआ इसमें, TA estimated that TR's purchases would not exceed 500। क्वेश्चन की वर्डिंग यूज करें, आगे कहेंगे ऑन 30 सितंबर 2005 TA estimated that TR's purchases would not exceed 500 in the year to 30 June 2006, therefore TR will not be able to avail the volume discount and hence revenue recognized for the period should be
17 laptops multiplied by 500 rupees. Therefore, that is the original invoice amount. ठीक है? तो जो original amount थी, जो non-discounted amount थी, आपने उस पे ही revenue recognize करना है for the first quarter. यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ, अब देखते हैं आगे. अब आगे वो पार्ट बी में क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2005. अब अगले 3 महीने भी गुजर गए. टीआर एक्सपेंडेड रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ अ सब्सटेंशियल एक्विजिशन. अब टीआर ने क्या किया, वो उसका बिजनेस बढ़ गया एंड परचेज एन एडिशनल 250 लैपटॉप फ्रॉम टीए. तो अब आधे ही साल में टोटल उसने हमारे से कितने खरीद लिए लैपटॉप? 250 इन 3 महीनों में, और उसने 70 लैपटॉप पहले खरीदे थे, यानी कि 320 लैपटॉप तो 6 महीने में हो गए. तो अब हमें लग रहा है ना कि अगले 6 महीनों में पूरे हो जाएगा जो हमारा जो थ्रेश होल्ड है डिस्काउंट का, वो हमारा पूरा हो जाएगा 320, राइट? अब वो क्या कह रहा है? टीए देन एस्टिमेटेड दैट टीआर परचेजेस वुड एक्सीड द थ्रेश होल्ड फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट. तो अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि अभी हम 31 दिसंबर पे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो लैपटॉप आपका जो थ्रेश होल्ड है वो अचीव हो जाएगा. एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल है. अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो 250 लैपटॉप खरीदे बेचे हैं इन 3 महीनों में, उनको तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे एट द रेट ऑफ 450, है ना? लेकिन व्हाट अबाउट द 70 लैपटॉप जिनका आप रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो 500 पे? अब उसके लिए क्या करेंगे, इधर देखें. अब आप छोटी सी करेंगे कैलकुलेशन. आप ये कहेंगे रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर 250 लैपटॉप, वो कितने पे होगा? अब प्रोबेबिलिटी आ गई ना, अब प्रोबेबल है कि जी हो सकता है कि जी अब सब लैपटॉप का रेट 450 हो जाए. तो आप क्या करेंगे, 250 × 450, यानी कि कितना आ रहा है, 112500, सही है? आपने कहा कि अब इन तीन महीनों का जो हमने लैपटॉप हमने सेल किए हैं उनकी तो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 112500 का. और हमने एक और चीज भी यहाँ पे देखी कि हम तो 70 लैपटॉप को रिकॉर्ड कर चुके थे, 70 लैपटॉप के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके थे 500 का. लेकिन अब चांसेस डेवलप हो गए ना कि अब सारे लैपटॉप की प्राइस कितनी होगी, 450 होगी. तो हमने जो 70 लैपटॉप पे 50 रुपए पर लैपटॉप का एक्स्ट्रा रेवेन्यू चार्ज कर दिया था ना, हम इस साल इन तीन महीनों में फिर जो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना होगा हम उसको इससे माइनस कर देंगे. हम ये कहेंगे रेवेन्यू अब पिछले क्वार्टर में जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते. आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, इन 3 महीनों का जो एक्स्ट्रा आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है अब आप उसको एडजस्ट कर लो. वेरी गुड. रेवेन्यू ओवर चार्ज फॉर प्रीवियस क्वार्टर. अब हम ये बात भी नहीं कह सकते कि हमने पिछले क्वार्टर में गलती की थी, क्योंकि पिछले क्वार्टर एंड पे हमने बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक ठीक एस्टिमेट किया था. उस पॉइंट पे जो सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से रेवेन्यू उतना ही चार्ज होना चाहिए था. वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, आपके एस्टिमेट शिफ्ट हो गए, तो कोई बात नहीं, आप फिर अगले रेवेन्यू में एडजस्ट कर लो. तो आप ये कहोगे कि हमने प्रीवियस क्वार्टर में 70 यूनिट के ऊपर 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जिंग कर ली थी, उनको भी 450 पे लेकर आना है. तो हम ये फिगर क्या कर देंगे, 3500 ये अमाउंट बनती है, इसको हमने इसमें से माइनस किया और कितना आ रहा है, 109000. तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इज हाउ मच, 109000. पढ़ लेते हैं इसको. इन द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2005 टीआर परचेजिंग पैटर्न चेंज सच दैट इट वुड बी लेजिटिमेट फॉर टीए टू कंक्लूड दैट टीआर परचेजेस वुड एक्सीड द थ्रेशहोल्ड फॉर वॉल्यूम डिस्काउंट. And therefore, it was appropriate to reduce the price to 450 per laptop. TA should therefore recognize revenue of rupees 109000.
First quarter ended 31st December 2005. The amount is calculated as from rupees 112,500 less the change in transaction price of 3,500 for the reduction of the price of laptops sold in the quarter ended 30th September 2005. Understood? Samjha gayi baat? हाँ जी क्लियर है. अभी एक और सवाल है. एक काम ये करें, ये वाला क्वेश्चन है. ओह सॉल्यूशन भी आ गया सामने. नहीं सॉल्यूशन मैं छुपा देती हूँ. अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरे पेज पे कॉपी कर लेती हूँ. ये अब आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है. और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड. अब अगर लास्ट डे वो मैच ना कर पाए तो लास्ट, बिल्कुल. अब वो वापस से हम फिर अगले क्वार्टर में, अगर हमें अगले क्वार्टर में अब दोबारा लग रहा है कि जी वॉल्यूम रिबेट अचीव नहीं होगा, सही है, तो हम क्या कर देंगे, अगले क्वार्टर के एंड पे फिर एडजस्टमेंट कर देंगे. अगर हमें लगेगा कि जी अब दोबारा से 500 पर यूनिट लैपटॉप का चार्ज आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी, तो अब आप क्या करोगे, पिछले क्वार्टर में जो 320 आपने सेल किए हैं उनके ऊपर एडिशनल 50 रुपीज का रेवेन्यू चार्ज कर दोगे थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर के सेल्स जो लैपटॉप होंगे उनको 500 पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे. और जब पूरे चार महीने गुजर जाएंगे, अब चौथे महीने, चौथे क्वार्टर में, चार क्वार्टर, अब चौथे क्वार्टर में तो कंफर्म हो जाएगा ना कि क्या होना है क्या नहीं होना. तो आपके पास चौथे क्वार्टर में भी आपने वही काम करना है. लेट्स से चौथे क्वार्टर में ये साबित हो जाता है कि वॉल्यूम डिस्काउंट मिल जाएगा. अब कंफर्म भी हो गया चौथे क्वार्टर में, 30 जून 2006 आ गया, राइट. अब आप क्या करोगे, अगर तो आपने पिछले तीन क्वार्टर में आप 500 पे ले आए थे, तो अब चौथे क्वार्टर में 500 पे 50% डिस्काउंट पिछले तीन महीनों का रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो इन एनी केस 30 जून 2006 तक आपका रेवेन्यू एक्चुअल प्राइस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो के, ठीक है. एन वाला लैपटॉप चाहे थाउजेंड का सेल हो, एडजस्ट ऑल डिस्काउंट, यस बिल्कुल ठीक. तो अब आपको एटलीस्ट 30 जून 2006 पे तो एक्चुअल पोजीशन पे आ ही जाओगे ना, 450 है या 500 है वो पता लग जाएगा. तो पिछले सारे लैपटॉप की सेल प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगी आखिरी क्वार्टर में फिर, ठीक है. चलें जी, तो इसमें यही वाली बात है. इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज है कि आपका उस पॉइंट इन टाइम तक, जिस पॉइंट इन टाइम तक आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, उस पॉइंट इन टाइम तक आपका क्या जो है वो एस्टिमेट रहा, ठीक है. अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको जरा अटेम्प्ट करें. 10 मिनट में आपको देती हूँ, कोशिश करें कुछ ना कुछ लिखने की, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या लिखा. ऑन 1st January 2004 शबी एंटर्स इनटू अ 12-month पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन. द कॉन्ट्रैक्ट इज विद टेलीसाउथ एंड टर्म्स ऑफ द प्लान आर शबी रिसीव्स अ फ्री हैंडसेट ऑन 1st January 2004. इसमें कस्टमर कौन है, शबी है. आपने रेवेन्यू किसके बुक्स में रिकॉर्ड करना है, टेलीसाउथ के. वो कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है. अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही.
स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा क्लिक। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? जी विलय, आपने अभी ज्वाइन किया हमें? चले जी, तो क्या हो रहा है अब यहाँ पे? कस्टमर कौन है? शबी है। रेवेन्यू रिकॉर्डिंग पार्टी कौन है? टेरिसा होता है। तो हम टेरिसा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो शबी रिसीव्स अ फ्री हैंडसेट ऑन 1 जनवरी 2004, यानी कि डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। Shabi pays a monthly fee of ₹200, which includes unlimited free minutes. Shabi is billed on the last day of the month. Customers may purchase the same handset from Telesouth for ₹500 without the payment plan. They may also enter into the payment plan without the handset, in which case the plan costs them ₹175 per month. ये दोनों figures क्या हैं? Standalone prices? बिल्कुल ठीक। द कंपनी इज ईयर एंड इज 31 जुलाई 2004। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया है? 1 जनवरी 2004 को। कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है? 6 महीने के बाद। शो हाउ टेलीसाउथ शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्लान इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। नहीं नहीं हाँ, 6 माह के बाद, बिल्कुल 6 मंथ के बाद। Your answer should give journal entries on 1st January 2004 on 31st January 2004. ठीक है? बिल्कुल 7 months है, 7 months है। तो अब आपको क्या करना है? आपको किस तरह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 1st January को और 31st January को। फिर मैं इसमें एक और डाल दूंगी कि आप मुझे बता दो कि 31st July 2004 तक कितना रेवेन्यू चार्ज होगा, कितना रेवेन्यू कैलकुलेट होगा। चले जी करें इसको जल्दी से, 5 मिनट का भी काम नहीं है, कर चुके हैं इस तरह का हम। हाँ जी, तो अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला आपने आइडेंटिफाई करना है क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो जवाब आएगा बिल्कुल है कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर बिटवीन टेलीसाउथ एंड शबी फॉर द सप्लाई ऑफ अ फ्री हैंडसेट एंड अ 12 मंथली क्या पेमेंट प्लान। ठीक है? नहीं, पेमेंट प्लान नहीं, इसको 12 मंथली मिनट्स का प्लान कह लें, या मोबाइल, एक तो मोबाइल फोन का हो गया और एक आपके पास हो गया अनलिमिटेड फ्री मिनट्स का। ठीक है? तो ये दो आपके पास चीजें आ गई इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉर द प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड फ्री मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ एंड फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मोबाइल फोन। ठीक है? So the contract is there for the delivery of a mobile phone and the provision of unlimited free minutes for the next 12 months at a monthly fee. ठीक है? Step number 2, performance obligations. Identification of performance obligations. कितनी है performance obligations? हाँ जी, शाम कितनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसमें? 2 है। अच्छा, कौन कौन सी? महज, जिले, 2 है, पक्की बात है? कौन कौन सी है, क्या कैसे लिखा? बिल्कुल ठीक, हैंडसेट एंड फ्री मिनट्स, है ना, प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड फ्री मिनट्स। आपने प्रॉमिस के बारे में बताना है, सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो आपके पास हो गया डिलीवरी ऑफ अ फ्री हैंडसेट, दिस इज डिलीवरी ऑफ अ हैंडसेट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहली।
दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज द प्रोविजन ऑफ अनलिमिटेड फ्री मिनट्स, यानी कि आपके पास जो आपका डेटा प्लान है, जो मिनट्स का प्लान है, जो डेटा सर्विसेज है, मोबाइल सर्विसेज की प्रोविजन इज द अदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गई। नंबर थ्री, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 200 रुपए पर मंथ, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी हो गई, 200 × 12 है ना। क्या उसमें वो हैंडसेट की प्राइस चार्ज कर रहा है, जवाब आएगा नहीं, तो हमारे पास नहीं 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 हशाम, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आपने ये नहीं देखना कि कितने महीने गुजर गए। मैं अगर आपसे ये पूछूंगी जी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो हमें ये बताना है ना कि टोटल जितने भी महीने हैं, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, 200 × 12 यानी कि 2400 इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एलोकेशन करनी है पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो स्टेप नंबर फोर के अंदर, स्टेप नंबर थ्री में इनफैक्ट, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है, 12 मंथ का, हर महीने का 200, हैंडसेट की कोई चार्ज नहीं, तो वो तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 2400। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्टेप पे कितना लिख दिया, अगर 1700 या जो भी 7 × 200 1400 कर लिया, तो आंसर आपका गलत आएगा। अब देखो अब क्या होगा, स्टेप नंबर फोर पे हम क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हमारे पास अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, हमारे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो आपके पास हो गया हैंडसेट की डिलीवरी का, एक हैंडसेट हो गया, और दूसरा आपके पास आ गया इसको आप मोबाइल सर्विस, ठीक है। आपने पहले क्या कहना है, आपने कहना है कि इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या है, जरा वो देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि अगर सिर्फ मोबाइल फोन अगर हम सेल करते हैं तो कितने पे सेल करते हैं, विदाउट द पेमेंट प्लान इट इज 500, तो इसकी स्टैंड अलोन प्राइस कितनी हो गई, 500। और अगर हम सिर्फ मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड सप्लाई करते हैं विदाउट द हैंडसेट, तो उसका 175 पर मंथ के हिसाब से कितना बनता है टोटल, जरा कैलकुलेट करें, 12 महीने का कितना बनेगा, 175 × 12 करें, क्या आंसर आ रहा है, 2100। तो इसकी स्टैंड अलोन प्राइस पूरे इस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कितनी होती, 175 × 12, राइट, इन दोनों को आपने ऐड किया, 2600 टोटल बनती स्टैंड अलोन के बेसिस पे। फिर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन, 500 / 2600 × 100 कितना परसेंट बनता है, इसी तरह से 2100 / 2600 कितना परसेंट बनता है। हाँ हशाम, अभी उसकी बारी आएगी, पहले आप एलोकेशन तो करो, पहले आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एलोकेशन करनी है, उसके बाद आपने 7 मंथ गुजरे हैं या कितने महीने गुजरे हैं। इधर देखो क्या आंसर आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कितना आ रहा है, प्रोपोर्शन कितना आ रहा है, परसेंटेज में कितना पोर्शन स्टैंड अलोन प्राइस है हैंडसेट का, 500 / 2600 19.2, इसको 19% ले लेते हैं, तो 19% आपका हैंडसेट का है और रिमेनिंग कितना हो गया, 81% आपका हो गया किसका, मोबाइल सर्विसेज का। अब आपको करना क्या है, आपके पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 2400, अब आपने इस 2400 को डिवाइड करना है 19% और 81%, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 456 और ये आपके पास आ जाएगा 1944। तो क्या मतलब हुआ कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी प्राइस थी वो अब इन दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे आपने एलोकेट कर दी। 7 मंथ गुजरे हैं, 6 मंथ गुजरे हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो हम देखेंगे स्टेप नंबर 5 पे, तो हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने की सेटिस्फाई की है, कौन सी डेट पे, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है।
तो पहले तो आपने एलोकेशन तो करो, फिर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस एलोकेशन कितनी सेटिस्फाई हुआ। स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि बताएं जी कि कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज होना चाहिए ऑन 1 जनवरी 2004। तो 1 जनवरी 2004 को आपने देखना है कि दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में से कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हुई है। तो सिर्फ हुआ है डिलीवरी ऑफ हैंडसेट। तो 1 जनवरी को आपने रिकॉर्ड करना है 456 का रेवेन्यू। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020x6 पे 1 जनवरी 2020x4 पे डबल एंट्री क्या हमारी पास होगी। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हर महीने के आखिर में वो पे करेगा ये 200 रुपए की जो पेमेंट करनी है। अब देखो असल में ये 200 रुपए की पेमेंट हम उससे रिसीव करेंगे ना, उसमें मोबाइल हैंडसेट का भी अमाउंट रिसीवेबल होगा। सही है, तो अब आपने क्या करना है, इसमें मैंने आपको ये बताया था 1 जनवरी 2004 को आपको कोई पैसे नहीं रिसीव हो रहे, तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट के नाम एक एसेट बुक कर लेना है। कितने का? 456 का। और रेवेन्यू बुक कर लेना है 456 का। यहां तक बात समझ आ गई। 1 जनवरी 2004 को रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे 456 का, पैसे अभी तक रिसीव नहीं हुए। और अगर मैं आपको इस बात पे ध्यान लेके जाऊं, हमें कभी भी मोबाइल हैंडसेट के अगेंस्ट पैसे मिलने भी नहीं, तो हमने क्या बुक कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। अब बारी आती है, अब जब पहली हमें पेमेंट रिसीव होगी, अब यहाँ पे 31 जनवरी 2004 से हमने क्या मोबाइल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो फुलफिल हो गई थी, आपने उसके अगेंस्ट रेवेन्यू भी रिकग्नाइज कर लिया 1 जनवरी। अब क्या होगा, अब आपने इस महीने में मोबाइल सर्विस प्रोवाइड की, टोटल 12 महीने की सर्विस प्रोवाइड करनी है, 12 महीनों में से सिर्फ 1 महीने की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हुई है मोबाइल सर्विस की। तो आप 1944 डिवाइड बाय 12 करेंगे कि 31 जनवरी 2014 के एंड पे अब हमने कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है उस 1 महीने का। तो टोटल 12 महीनों में आपने इसका कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, वो रिकग्नाइज करना है 1944। ये पूरे 12 महीने का है, कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में से अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो बताएं 31 जनवरी 2004 पे कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो रही है, वो हो रही है मोबाइल सर्विस की, और वो भी उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन, सारी की सारी अभी तक हमने नहीं प्रोवाइड की, सेटिस्फाई की, तो उसमें से सिर्फ हमने 1 मंथ का करना है 162। ये काम हो गया। 31 जनवरी 2004 पे शबी जो है वो हमें मंथली फी भी पे कर देगा, है ना। हम अगर हम ये अज्यूम करें कि शबी ने हमें पैसे पे कर दिए, ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिलिंग होती है ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो हम ये बात कर लेते हैं कि चलो बिलिंग के टाइम पे शबी ने हमें 200 रुपए की पेमेंट भी कर दी, तो कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा 200 रुपीज का। व्हाट अबाउट द रिमाइंडर? अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपने हैंडसेट के अगेंस्ट रिसीवेबल बुक किया हुआ था ना, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म होता रहेगा, वो भी एकदम से खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो 200 रुपए की पेमेंट है ये हमें ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स मिलेगी ना। और हम ये कह रहे हैं ढके छुपे लफ्जों में, इस पेमेंट के अंदर हम लोग हैंडसेट के पैसे भी ले रहे हैं, तो अब उसका भी रिसीवेबल क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही फुलफिल होगा। यहां तक बात क्लियर है? सही है। तो हशाम अगर मैं आपसे ये पूछती ना कि मुझे ये बता दें कि 31 जुलाई तक कितना रेवेन्यू बुक करेंगे, तो उसमें आप करेंगे 1944 डिवाइडेड बाय 12 × 7, कि फिर 7 महीनों में कितना टोटल रेवेन्यू चार्ज होगा अगेंस्ट मोबाइल सर्विसेज, तो वो होगा 1944 डिवाइडेड बाय 12 × 7। और आप 1 जनवरी पे पूरा का पूरा 456 का भी रेवेन्यू बुक कर चुके हैं, तो अगर मैंने आपसे, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपसे पार्ट सी मांगती हूं, पार्ट सी
to be recognized for the year ended 31st July. आपका year end हो रहा है 31st July 2024 पे. तो आप ये कहेंगे कि total revenue recognize होना चाहिए on the completion, on the satisfaction of performance obligation. तो 456 वाली delivery of handset वाली performance obligation तो आपने पूरी की पूरी satisfy कर दी, वो पूरा का पूरा revenue recognize हो गया. और जो mobile data वाली, mobile service वाली जो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो आपने प्रोवाइड करनी ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिसमें से 7 महीने आपने प्रोवाइड कर दी. तो टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग दिस ईयर वुड बी व्हाट, ये इसका टोटल आंसर. जी अब क्लियर हुई बात हुई? हशाम जवाब महा जिले क्लियर है, सही है? तो बस इसको यहीं तक रखते हैं. IFRS 15 भी हमारा क्लोज हो गया मेरे पार्ट पे. अच्छा एक और बस चीज मुझे रह गई थी बात बतानी. वैसे तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है. अब जिस तरह अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये इसी से थोड़ी सी रिलेटेड है कि अगर मैं ये उस सिनेरियो की बात कर रही हूं, अगर तो आपके पास ऐसी कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जो कि सेटिस्फाई होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक तरीका तो उसमें रिकॉग्नाइज करने का ये है कि हम अगर उसको एक 12 महीने पे हमने इसको करना है, हमने सर्विसेज इक्वली हम प्रोवाइड करते हैं हर महीने, ऑब्वियसली चेंज थोड़ी होती है. मोबाइल सर्विस 12 महीने में, एक महीने में वही इस्तेमाल करेगा जो अगले महीने में करेगा, तो हम तो उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हमने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया. ये तो बहुत सिंपल सिनेरियो था. नॉर्मली हमारे पास दो तरीके होते हैं कि फिर हम सेटिस्फेक्शन किस बेसिस पे कहें कि प्रोग्रेस कितनी रही हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन की. तो उसमें आपके पास दो कैटेगरीज हैं. एक कैटेगरी को कहा जाता है कि उसमें आउटपुट मेथड, आउटपुट को देखते हुए हम देखते हैं कि भाई हमने कितना सेटिस्फेक्शन किया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई किया. जिसका याद है वो वाला सिनेरियो जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना था 18 मंथ्स के अंदर अगर होता तो कंसिडरेशन ये थी, जिसमें हमने 70% का अमाउंट निकाला था. लेट मी ओपन दैट, अगर वो मुझे मिल जाता है. इसमें कहां था ये वाला कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है. अब उसके अंदर उसने हमें याद है बता दिया था कि एबीसी डिसाइड्स टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड. अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम कहेंगे जी 12 महीनों में हर महीने इक्वल अमाउंट की कंस्ट्रक्शन होती है, नहीं ना. तो उसके अंदर फिर हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कैसे कहेंगे कि कितने का सेटिस्फाई हुआ कितने का नहीं हुआ. तो उसमें IFRS 15 जो है ना वो हमें बहुत सारे मेथड बोल देता है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हो. एक जो कैटेगरी है वो है आउटपुट मेथड की. वो ये बात करता है कि आप ये चीज देखो कि हमारे हमने आउटपुट कितना दिया है इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर. अब आपको पता है कि वो आपका जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप सेटिस्फाई करोगे. तो आप ये देखोगे कि जो आपका पीरियड अंडर कंसिडरेशन है जिसकी आपने रेवेन्यू निकालना है, मैं मुझे जब 2 मिनट दें मैं इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आउटपुट मेथड में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. मैं लिखूंगी टर्म्स, आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, वरना ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, ये बात आपको क्वेश्चन में गिवन होती है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है. नहीं गिवन होगी, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन इस तरह की दे देगा कि टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट कितनी थी. आप खुद ही हिसाब लगा लो कि भाई हमने फिर कितना काम किया होगा. ठीक है जी, तो गिव मी अ मिनट, मुझे वो लिस्ट मिल जाए सारी जिस पे वो सब लिखा हुआ था. अच्छा इसमें इनपुट मेथड में वो क्या बात करता है
कि आप अपने प्रोग्रेस को इस तरह से मेजर कर सकते हो कि हमने अपने कितने रिसोर्सेज लगा दिए आउट ऑफ अ टोटल। ठीक है, आप क्या करते हो कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में आप जो हो थोड़ा सा जरूर एस्टिमेट करते हो कि भाई इसमें हमारे पास टोटल हमारे क्या एस्टिमेटेड है कि हमारे क्या टोटल हमारा इनपुट लगेगा, हमारे रिसोर्सेज कितने लगेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आपको ये बताया जाए कि एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जिसमें एस्टिमेटेड था कि टोटल लेबर आवर्स कितने लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 लेबर आवर्स। तो अगर पहले साल में 2,000 लेबर आवर्स जो है वो आपके लग चुके हैं तो इसका मतलब है आप रेवेन्यू कितने के साथ तक रिकॉग्नाइज करोगे अप टू द अमाउंट ऑफ लेबर आवर्स एक्सपेंडेड। यहां तक बात क्लियर है? इसी तरह से ये बात आपकी मटीरियल कंज्यूम्ड में भी आ सकती है। ठीक है, कि आपको कितना आपने मटेरियल कंज्यूम करना था, इन अदर वर्ड्स ये कॉस्ट इंकर्ड को ही ये दोनों चीजें आपका बताती हैं। आउटपुट मेथड में फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स लेट्स से, और उस 10 सालों में हमें फॉर एग्जांपल सप्लाई करने थे, या चले 10 साल बहुत ज्यादा हो गया, 3 इयर्स का कर लेते हैं। अब अगेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी 3 सालों में फुलफिल होनी है ग्रेजुअली, राइट? तो मैं आपको ये कहूंगी जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि 3 सालों में हमें टोटल 10,000 यूनिट डिलीवर करने थे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, जब भी जितना करें, स्ट्रेट लाइन नहीं। तो उसमें फिर हम अपना प्रोग्रेस किस हिसाब से मेजर कर सकते थे कि जी यूनिट डिलीवर्ड कितने हुए आउट ऑफ अ टोटल, है ना? तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है डिलीवर्ड या प्रोड्यूस्ड व्हाटसोएवर, तो ये आपके आउटपुट पे वो क्या होता है, आउटपुट मेथड में कहलाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट था टोटल 10,000 यूनिट का और आपने टोटल 2,000 यूनिट डिलीवर या प्रोड्यूस कर दिए, तो आपने इसका मतलब है आपने परफॉर्मेंस अपनी कितनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की, आपने 2000 डिवाइड बाय 10,000 यानी कि 20% अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या टोटल एलोकेटेड प्राइस का आपने 20% रिकॉर्ड कर देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स, मैं जरा डाउनलोड कर लूं अपने पास से ताकि मैं आपको पूरी लिस्ट जो है वो बता सकूं। अगेन आपको सिर्फ समझने की हद तक इम्पोर्टेंट, इट्स फेयरली सिंपल। आपको बता दें कि ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एक्सपेंडेड है, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, टोटल लेबर आवर्स कितने लगने थे, लग कितने गए, उस हिसाब से आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। डू आई नीड टू डू दिस विद यू गाइस? ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ये 70% वाली बात हमने, ये वाला क्वेश्चन हमने इसी के ऊपर बेसिस पे किया था। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ उस टाइम ये कहा था कि मैं आपको पूरा और भी तरीके बता दूंगी कि उसमें और किस तरीकों से, किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपके सामने भी लिखती हूँ। तो आउटपुट मेथड में क्या क्या आ जाता है, यूनिट प्रोड्यूस्ड या यूनिट डिलीवर्ड। फिर इसके अलावा इसमें एक और चीज भी आती है कि आप, हो सकता है आपको सब क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है यदि आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बिल्डिंग अगर बन रही है, ठीक है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब हम कैसे हिसाब से कर सकते हैं, कोई किसी एक से हम पूछेंगे वो बोलेगा जी तो बिल्डिंग 70% कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, हम कहेंगे कि नहीं जी तो 60% मुझे लगता है कंप्लीट हुई, अभी तक 40% रहता है। तो ये क्या है, ये किस्म का हमारा लगभग है ना, कि हम कह रहे हैं कि हम किसी और बेसिस को यूज नहीं करें, हम ये देख रहे हैं कि काम कितना होता हुआ लग रहा है। उसके लिए हो सकता है हम किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें और वो एक्सपर्ट हमारे काम को सर्वे करके अपना ओपिनियन दे कि जी काम जो है ना, जो कंस्ट्रक्शन जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन 75% कंप्लीट हो गया है, 25 अभी भी रहता है। तो आपने क्या करना है, उस सर्वे के हिसाब से, एक्सपर्ट की ओपिनियन के हिसाब से 70 या 75% को रिकॉर्ड कर लेना है, राइट? या अगेन आपको गिवन होगा। फिर हो सकता है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के ना कोई माइलस्टोन रखे हो कि जी इधर तक हम इतना हमें कर लेना है, अगर हमने इधर तक कर लिया तो हमारा मतलब इतना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो हमारा रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। अगेन ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, आउटपुट मेथड के कुछ ही एग्जांपल्स थे कि जो हम आउटपुट दे रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा रिजल्ट है, उसके हिसाब से हमें क्या प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। और इनपुट मेथड में हम क्या कहते हैं कि हमने कितना रिसोर्स लगा दिया, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास लेबर आवर्स एक्सपेंडेड होगा, मशीन आवर्स होता है, कॉस्ट इनकर्ड होता है, ठीक है, इस तरह से आपके पास बहुत सारी एग्जांपल और मेथड अवेलेबल है। ठीक है,
मशीन आवर्स यूज या एक्सपेंडेड, तो जो भी बेसिस होगा आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने सिर्फ उसका रेशियो निकालना है, आपने ये देखना है कि टोटल कितना एक्सपेक्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में, हमने कर कितना लिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हिशाम जवाब महा जिले, तो IFRS 15 जो है वो हमारा हो गया कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, और दैट्स इट। अब हमारा और आपका साथ जो है यहाँ पे खत्म, इख्तिताम पज़ीर होता है। आई होप कि आप लोग सब जो हो FAR 1 में और जितने भी आप लोग पेपर्स में अपेयर हो रहे हो, आई होप यू ऑल अपेयर, आई होप यू ऑल पास इन दोज पेपर्स विद फ्लाइंग कलर्स, मेरे शरीफ भी आ जाए, मजा ही आ जाए। ठीक है, तो इस दफा ऑनलाइन का जो फाइनल का रिजल्ट आया, फाइनल में वी हैव रिसीव 2-1 मेरिट एंड अ गोल्ड मेडल आई थिंक, या 2 मेरिट्स आए हैं ऑनलाइन के स्कूल के। तो जो ही वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जी ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो जी द ड्रॉबैक्स हैं और नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। सिर्फ इसमें क्या है, देखें टीचर भी आपका वही है, आपको बल्कि मेरे ख्याल से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी आपके डिस्पोजल पे है, आपको ज्यादा फैसिलिटीज हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी से चीजें हम समझा सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली वो जो एक पर्सनल टच आता है, पर्सनल टच के अलावा जो एक वही एक क्लास में बैठे हुए जो आप पढ़ रहे होते हो वो वाली बात नहीं आती, दूसरे बच्चों का जो एक उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आपके साथ, एक कॉम्पिटिशन सा फील हो रहा होता है आपको, दूसरे बच्चों की जैसे खुद भी कुछ समझ में आ रहा होता है, वो चीज बस नहीं है, लेकिन बाकी सारे आपके पास वही चीज है जो कि एक रेगुलर क्लास में होता है। तो बस अपनी मेहनत ऑन रखें, ठीक है, और मेहनत ऑन रखें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी दे। ठीक है जी, और बस दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई गलती कुताही हो गई हो, किसी का दिल खराब हुआ हो, इवन जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, अगर आप लोगों का दिल जो है वो मेरी वजह से, इफ आई हर्ट यू आई अपोलोजाइज, आई सीक योर अपोलॉजी। ठीक है जी, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रैश कोर्सेज एट ऑल, क्रैश कोर्स की जरूरत भी नहीं है, मतलब यू गॉट द रिकॉर्डिंग राइट, यू गॉट द रिकॉर्डिंग जितनी भी पॉसिबल है। अच्छा हिशाम, आपके आपका क्वेरी मैंने अभी अपडेट लेना है उनसे, मिस मारिया से, ठीक है, तो बस दैट्स इट। ठीक है, कोई भी मसला हो बीच में, अगेन टेस्टिंग, अब मैं एक एक करके अपलोड करती रहूंगी और आप लोगों ने जो है वो उसको अटेम्प्ट करते रहना है, मुझे भेजते रहना, मैं ग्रुप पे बता दूंगी कि जी आपका टेस्ट वाला अपलोड हो चुका है, अब आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चले, आई होप आई रियली होप एंड प्रे कि वाकई में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाया, तो आई होप अच्छा वाकई में पढ़ाया और आप लोगों को समझ में आई हो। मेरे लिए बस यही चीज जरूरी है, रिजल्ट मैटर फॉर मी, मतलब मेरे लिए रिजल्ट बड़ा मैटर करता है, लेकिन समझ आया नहीं आया, ठीक है, सही है, चलें जी। और कोई इसके अलावा कोई कमेंट, कोई इनपुट अगर देना चाहे तो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, दुआ मैं भी आपको लेकर करूंगी, आपने भी मुझे दुआ में याद रखना है। प्रिपरेशन की टिप्स क्या करनी है, पूरा महीना आपके पास पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बार बार वो बात करती आ रही हूँ, पूरा अपने दिन को देखें कि आप दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना टाइम आप पढ़ते हैं, उससे फिर आपको थोड़ा कंट्रोल आएगा। एक दफा जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि मैंने अब इस महीने में ये काम नहीं करना, टीवी पे मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे गुजार देता हूँ, जो कि नहीं गुजारना मैक्सिमम, चलो ब्रेक चाहिए तो बंदा एक घंटा गुजार ले, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के लिए बंदा देखता रहे, ठीक है, और जजाक अल्लाह दिले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने बस करना क्या है, देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाते हो, ठीक है, आपको जिस टॉपिक में लग रहा है कि ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसको आपने दिन में ज्यादा टाइम एलोकेट करना है, अगेन डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट कितने हैं। मेरा जो पर्सनल सजेशन होता है वो ये होता है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट मत करो, ऑब्वियसली दो एक से ज्यादा ही है ना हर किसी के पास, ऑल्टरनेट करो, उससे होता क्या है फिर बोरियत नहीं होती, प्लस आपका थोड़ा ध्यान लगा रहता है, स्विचेस आ जाते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, और बेहतर ये है कि दिन में अगर आप देखो दो सब्जेक्ट से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब दो सब्जेक्ट से ज्यादा फिर अगर आप करोगे तो हम कितने घंटे पढ़ लेते हैं, लेट्स से कि चलो अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो, ठीक है, 10 घंटे भी अगर आप इफेक्टिव स्टडीज कर लेते हो तो उसमें अगर आप 6-6 घंटे दो सब्जेक्ट को दे देते हो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को लेकर आते हो तो फिर हर सब्जेक्ट को मुश्किल से 3-3 घंटे ही मिलेंगे, और जिसमें आपकी अभी तैयारी होनी शुरू ही होती है ये टाइम खत्म हो जाता है, राइट,
तो बेहतर है कि दो सब्जेक्ट रखो, लेकिन आप तीन भी रख सकते हो। कि अगर आपने इतना से सोचा हुआ है कि जी अकाउंटिंग को मैंने एक एक मैंने दो दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने हैं हर दिन के, अगर आपने इस तरह से फिक्स किया हुआ है तो वो दो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 2 घंटे भी नहीं लगने चाहिए। आपने 2 घंटे लगाए अकाउंटिंग पे, फर्दर और चीजें देखी, और फिर आप आ गए इकोनॉमिक्स पे, फिर आप आ गए बी लॉ पे, इस तरह की चीजें। न्यूमेरिकल साथ रखने का फायदा ये होता है कि फिर थ्योरी जो है आपके लिए ज्यादा भारी नहीं हो जाती। तो एटलीस्ट हर रोज अकाउंटिंग को तो जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो अकाउंटिंग में मेजर चीज क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करके आपको और सिनेरियोस के बारे में पता लगता है, आपका दिमाग और खुलता है, आपको ये पता लगता है मेरे पास तो एक लिमिटेशन है, मैं तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही करा सकती हूँ क्वेश्चन में, राइट। सो आपको करना क्या है, आपको पहली चीज तो ये कि वही क्वेश्चन ओवर एंड ओवर अगेन करने, और जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए रहने दिए वो भी करें अटेम्प्ट। हर क्वेश्चन का फॉर्मेट ही अलग होता है, हर क्वेश्चन एक अलग ही कहानी लेकर आया होता है, राइट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए SIR 1 के लिए, इंट्रो के लिए अच्छा है, अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए उतना अच्छा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आप जरूर करें। हम थ्योरेटिकल में क्या होता है, थ्योरेटिकल में आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता लग गया, आपने पढ़ लिया, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि इसको लिखना किस तरीके से, आपको अपनी राइटिंग स्किल्स थोड़ी इंप्रूव करनी है। बाकी सवाल में वो उस चीज के बारे में कितने तरीकों से पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में तो देयर आर सो मेनी तरीके जिनसे वो एक बात को आपसे सॉल्व करवा सकते हैं, राइट। तो SIR 1 में एटलीस्ट बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इंट्रो जो लोग दे रहे हैं उनको भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इंट्रो तो मैं कहती हूँ इंट्रो में तो SIR 1 से ज्यादा भी प्रैक्टिस करें तो चलेगा काम, क्योंकि इंट्रो का आपका पासिंग रेशियो बहुत कम है, SIR 1 का अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट 50% से ज्यादा ही आता है, ठीक है। और ICAP का भी और PAT का भी, तो SIR 1 में तो एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर, एज लॉन्ग एज आपने प्रैक्टिस एडिक्वेट की हुई है, यूर सेफ, ठीक है। अपनी तरफ से बेस्ट दें, जैसे भी प्रॉब्लम आता है मुझे उसकी इमेज भेजें, रिजॉल्व करवाएं हाथ के हाथ। महावीर वीडियोस जो है ना, असल में पैक की पॉलिसी है कि वो फॉरएवर तो ऑब्वियसली नहीं होगी, मतलब जब तक आपके एग्जाम होंगे आपके पास फैसिलिटी नहीं होगी कि रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसका एक रीजन, और इसका रीजन ये है कि बच्चे ताकि टाइमली बेसिस पे रिकॉर्डिंग देखते रहें, सही है। यही नहीं कि जी आराम से बैठे हुए हैं, आखिरी हफ्ते में सारी इकट्ठी मिलकर देख लेंगे, उससे आपको पता है पढ़ाई भी नहीं होनी। तो वो हर वीडियो का ना, हर वीडियो का अवेलेबिलिटी पीरियड जो है वो अलग अलग है, तो वो मैं नहीं फिक्स करती, वो मैनेजमेंट फिक्स कर रही होती है। बस मुझे ये बात बताया कि मैक्सिमम डेट ऑफ, हाँ हिसाम वो मैं बात कर लूंगी कि अगर थोड़ा सा इसको सारी वीडियोस का थोड़ा अवेलेबिलिटी पीरियड थोड़ा बढ़ा दें, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि पैक की पॉलिसी है वो लेजिटी है, इट्स लेजिटिमेट, राइट, इट्स देयर राइट। और आपको पता है कि जी क्लास जिस डेट पे हो रही है उसके विद इन द नेक्स्ट वन वीक आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अब देखो ये फैसिलिटी रेगुलर बच्चों के लिए नहीं है, ये देखो फैसिलिटी अगर आप रेगुलर क्लास में होते, रेगुलर क्लास ले रहे होते, तो अगर आपने एक क्लास मिस की वो मिस कर दी, कोई रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं, तो आप लोगों के लिए तो बल्कि आप लोगों को किसम का ये बिगाड़ने की चीज है कि आप लोग और लेजी हो जाते हैं उस चीज में, चलो रिकॉर्डिंग है ना देख लेंगे। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे होते तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती, पहले किसी से आप बच्चे से वो लेते नोट्स लेते, फिर किसी की तरले मिनते करते कि पढ़ा दो, राइट। चले ठीक है, ऐसा ही है, मैं बात करूंगी, लेकिन अगर नहीं मानते तो उसमें पैक वालों का मतलब इट्स देयर राइट, राइट, वो बात भी उनकी भी सही है कि हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग सुननी नहीं चाहिए, और दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की गुंजाइश आए क्यों। आप जब एक दफा उसने आपने वाली रिकॉर्डिंग देख ली, आपने उसको बिल्कुल उसी तरह से देखना है जिसमें आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सही है। तो उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की गुंजाइश आनी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, नेचुरली सी बात है, वो रेगुलर बच्चों के लिए अनफेयर बात है। आपकी मर्जी, आप उस लेक्चर को 10 दफा देख रहे हो, राइट। नहीं मैं पैक पर कुछ नहीं डाल रही, पैक का ये लेजिटिमेट राइट है, और वो पॉलिसी जो भी होगी उसी को हमें भी फॉलो करना, आपको भी फॉलो करना। बट आई विल आस्क देम, अगर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस तरह से हो सकता है कि थोड़े से टाइम के लिए और वीडियो आपकी एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, अवेलेबिलिटी। तो इसके अलावा पढ़ाई की टिप्स में आप चाहो तो आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना के मेरे से शेयर कर दो, मैं उस पर बता दूंगी। अच्छा जी, इसमें मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा ही टाइम लगा रहे हैं, इस पर कम लगा रहे हैं, तो वो फिर मैं आपका ऑल्टर कर दूंगी। बाकी आप स्मार्ट स्टडिंग किस तरह से कर सकते हो, आपको वेटेज पता है, आपको इतनी बात समझ आ गई कि कौन सा टॉपिक मुश्किल है, कौन सा टॉपिक आसान है, राइट। अब IFRS 15 में टाइम टेबल इस तरह से बनाए ना आपके पास, अब आपको पता है कि February 2 आज खत्म हो गई है, February 3 ऑनवर्ड जब आपके पास टाइम है टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम, अब आप हर दिन के टारगेट बनाए कि हर दिन जो है मुझे SIR 1 में ये काम करना है, यानी कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल
सेकेंड आप पढ़ाई फॉर एग्जाम्पल पहली दफा अगर शुरू करें जो कि नहीं होनी चाहिए, या अब आपका टाइम होना चाहिए कि इसमें आपने रिविजन स्टार्ट कर दी और अभी आप समवेयर 20-30% आप अपना रिवाइज भी कर चुके हो प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फरवरी हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि 3 दिन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ आप बीलॉ रख लो, कोई और टॉप सब्जेक्ट रख लो, उसका टारगेट बना लो कि इन 3-4 दिनों में हमें बीलॉ में ये काम भी करना है, और आप इस तरह से अपने पूरे डेज को देखो आपके पास कितने डेज अवेलेबल है, आपको कितना टॉपिक कवर करना है, यू हैव टू लीव अ फ्यू डेज फॉर अनदर रिविजन एज वेल एज पॉसिबल, पहले फर्स्ट रिविजन ही पूरी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, राइट। और फिर इस तरह से आप एलोकेट करो कि आपके पास कितने टॉपिक्स रह गए हैं, आपके पास दिन कितने रह गए हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, आप ये करो कि अच्छा जी मुझे बाय सैटरडे बाय संडे मेरा बी लॉ में ये खत्म हो जाना चाहिए, मेरा FIR 1 में ये खत्म हो जाएगा और मेरे दूसरे सब्जेक्ट में ये हो जाएगा, लेकिन द टारगेट शुड बी रियलिस्टिक। ये नहीं करना कि जी एक हफ्ते में मैं बोलूंगी जी मैंने पूरा FIR 1 एक हफ्ते में कर लेना ताकि अब अगले 2 हफ्ते में उनकी फिर सेकंड थर्ड रिविजन करूं, आपको पता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके लिए मैंने आपको ये कहा है कि आप ये देखो कि आपकी स्पीड कैसी है, वो टाइम टेबल बंदा तो स्टूडेंट स्टूडेंट डिफर करेगा, आपने ये देखना है कि आपका टाइम लगता कहाँ ज्यादा है, ठीक है। कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल फास्ट होता है, कुछ बच्चों का थ्योरेटिकल फास्ट होता है, उनको थ्योरी याद करने में मुश्किल नहीं होती, उनको थ्योरी को समझने में मुश्किल नहीं होती, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट सेट करें। और मेरी एक बात याद रखें, टारगेट कभी भी अचीव नहीं होंगे, तो आपने थोड़ा सा गुंजाइश रखनी है उस बात की भी कि मुझे पता है कि मैंने अगर ये बात बोली है कि मुझे 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं FIR 1 के इस हफ्ते में, तो हो सकता है ना हो, तो आपने अपने आप को पुश करना है। फिर टारगेट रखने का मकसद क्या होता है, टारगेट रखने का मकसद ये होता है कि आपकी प्रोग्रेस इन चेक रहे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक हफ्ता गुजार दिया और अभी तक एक चैप्टर भी कम्प्लीट नहीं हुआ, सो यू विल गेट दिस इंडिकेशन यू नीड टू स्पीड अप, यू नीड टू स्पीड अप। फिर आप अपनी नींदें कम करें, रातों को लाते लगाएं, टॉपिक कंप्लीट करना है, एग्जाम के दिनों में तो पूरी रूटीन आपकी आउट हो रही होती है और आउट होनी भी चाहिए, है सीए के एग्जाम है, कोई हल्की बात तो है नहीं, राइट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर सारी चीजें सारी एक्टिविटीज बंद हो। मेरा पर्सनल सजेशन तो ये कि फोन भी अपना जाना साइड पे रख दें पढ़ाई के वक्त, नो फोन नो डिस्ट्रैक्शन नो फेसबुक नो व्हाट्सएप, दिन में 1 या 2 दफा का अपना वक्त मुकर्रर कर दें कि उस टाइम पे जाके मैंने अपना फोन चेक करना है, आपने कौन सा पाकिस्तान चलाना है, आप कौन सा पाकिस्तान चला रहे हैं, राइट। आपको कोई बिजनेस नहीं चलाने हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट ऐसे काम नहीं करने है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, और अगर करना भी है ना उसको साइड पे करना है, सीए अब ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का वक्त आ जाए तो एग्जाम पे ही फोकस करें, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, नमाज वगैरह मत छोड़े नमाज पढ़ाई के पीछे, वो चीज नहीं छोड़नी ऑब्वियसली, ठीक है। और ये भी नहीं करना कि सिर्फ एग्जाम के दिनों में नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट के आसपास नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज बहुत जरूरी है, नमाज नहीं छोड़े हैं, कुरान काफी भी तिलावत जो है वो रखी जारी रखें, तो वो अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी रूटीन वही रखें, लेकिन जो दुनियावी जो जिंदगी है उसमें से एक्स्ट्रा चीजों को काट के बाहर कर दें, और कहें कि इंशाल्लाह एग्जाम के बाद जब हम पार्टी करेंगे उसके बाद जितना फेसबुक जितना व्हाट्सएप, राइट। हाँ, लेकिन नमाज और तालीम अगर साथ साथ हो ना तो और भी जबरदस्त बेहतरीन सिनेरियो हो जाता है। तो ये नहीं करना कि सारे टाइम मुसल्ले पे बैठे रहें और पढ़ाई ना करें कि अल्लाह पास करेगा, अल्लाह ने कहा दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है शफा पाने के लिए, राइट। तो दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, और साथ ही आप थोड़ा सा दवा का भी इंतजाम करें, राइट। तो मरहम पट्टी भी करें इसकी, तो क्यों नहीं होगा इंशाल्लाह। उन जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं वो कभी भी मतलब नाकाम नहीं होते, अल्लाह ताला की रजा से। जानमाज से बैठ के दुनियावी काम ना ही करें तो बेहतर है, बेदबी होती है वो, सही है। तो जब पढ़ने की बारी आए तो जानमाज से उठ जाए, सही है, ठीक है। उसके अलावा किसी को कोई भी टिप चाहिए हो, कोई भी मसला हो, आपको पता है कि जी आप मेरे से बात कर सकते हैं, सही है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर ग्रुप पे डिस्कशन होगी, माशाल्लाह। जिले मुबारक को बहुत बहुत, दुआ में याद रखिएगा। चलो मैं